मैं वो छोटा सा बिंदु है जो जिसके अंदर पांच तरह के संस्कार कॉन्स्टेंटली चलते रहते हैं, एक ट्रांजिएंट शो की तरह, एक टेम्पररी शो की तरह। जिसको बाबा कहते हैं ड्रामा। इसलिए अपनी कंप्लीटनेस को, अपनी होलनेस को पहचानने के लिए माइंड के अंदर जो ये कॉन्स्टेंटली चेंजिंग संस्कारों का शो चल रहा है, उसको आत्मा को अपनी वो सच्चाई को पहचानना होता है जो कि माइंड और बॉडी से परे है। और ये कार्य सिर्फ परमात्मा कर सकते हैं। और ये इस सेकंड में ही पॉसिबल है। इसीलिए बाबा आत्मा को उसका अनादि सत्य जिसमें ये सारे संस्कार मर्ज्ड हैं मन बुद्धि भी मर्ज्ड है
वो स्वरूप आत्मा को। अपने दिल के आईने में दिखाते हैं। अभी भी आत्मा देख रही है बाबा के दिल के आईने में। क्या दिख रहा है? संकल्प भी जैसे बंद हो जाते हैं। क्योंकि कोई कहानी ही नहीं है। साइलेंट अवेयरनेस है। लिविंग लाइट। कोई टाइम ही नहीं है। कोई शरीर नहीं। कोई भाषा नहीं। This pulsating living light.
परमात्मा के अलावा और दुनिया में कुछ है ही नहीं उसकी। अंदर के संस्कारों के वृक्ष से भी बिल्कुल डिटैच्ड, जैसे क्योंकि वो मर्ज्ड है। Silent. ये अनादि स्वरूप बिल्कुल अनचेंजिंग, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, शुरू खत्म होता ही नहीं है, कांस्टेंट है। बाबा की इमेज के सिवाय, इमेजलेस इमेज के सिवाय और कुछ है ही नहीं आत्मा के दिल में। दूसरी जो भी इमेजेस या कुछ आ भी रहा है वो बहुत दूर लग रहा है। भावना तो नेचुरल लग रही है। उसका जैसे इनोसेंट अबाउट इट्स ओन ग्रेटनेस, अपनी ही महानता से जैसे कि उसे पता ही नहीं है, इतना नेचुरल है।
बिना बोले महान है, बिना सोचे महान, बिना किसी बस जस्ट बीइंग। बाबा की फीलिंग्स के साथ एक वननेस है, सर्वात्माएं जैसे एक समान ही, अलगपन का भी भाव नहीं। सारी लिविंग बीइंग्स जैसे एक समान ही तो दिखती है, कोई फर्क नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। सबके दिल में बाबा ही बैठा है जैसे, और कुछ है ही नहीं। क्योंकि शरीर नहीं, कहानी नहीं, संकल्प नहीं, तो भेदभाव क्या होता है पता नहीं किसी भी आत्मा को। इसलिए सर्व के दिल में बाबा बैठा है। और इतना क्लियरली महसूस हो रहा है हर आत्मा को, नेचुरल। कि यह सत्य कभी बदलता ही नहीं। बदलना शब्द भी एग्जिस्ट नहीं करता। हर एक आत्मा को अपने अंदर के संस्कारों के वृक्ष का भी पता है। संस्कारों की स्क्रिप्ट का सब कुछ पता है। पर बिल्कुल अनटच्ड है। कि वो सत्य नहीं है, वो लिविंग नहीं है। लिविंग बीइंग तो टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट। हर आत्मा इतनी
बाबा जैसी है। हर आत्मा की नजर बाबा पर गड़ी हुई है, नेचुरली, कोई कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं, नेचुरल। और जैसे हर आत्मा बाबा की नजर से निहाल हो रही है, इतना अपना सत्य रियल लग रहा है हर आत्मा को, बस यही रियलिटी है। बाकी सारी इमेजिनेशन मर्ज्ड है, पूरा मन का खेल मार्च। अनस्पोकन, बिना बोले साइलेंट लव है। कोई मर्ज या कोई मर्ज, वो सब भाषा नहीं है, नेचुरली प्रेजेंट। क्या पास्ट होता है, क्या फ्यूचर होता है, कुछ पता नहीं, सब अंदर है, मर्ज, फिनिश्ड। फिनिश्ड मतलब कोई नॉलेज नहीं है उसकी। बस नाउ है, नाउ जो कि इटर्नल है। शांति। पापा कहते हैं,
वो जो अनादि स्वरूप है ना, इटर्नल, जिसमें हर आत्मा एक जैसी है, बाहरी के अंदर की कहानी अलग अलग है, पर वो कहानी इमेजिनेशन है। और वो इमेजिनेशन मैनिफेस्ट होगी खेल खेलते हुए। तो खेल खेलते हुए इमेजिनरी खेल चल रहा है, पर साथ ही साथ अपना ट्रूथ, वो अनादि स्वरूप मेरे अंदर ही पूरा संस्कारों का खेल चल रहा है, पर मेरा वो अनादि स्वरूप जो कि बिल्कुल जिसमें आत्मा के दिल में सिर्फ परमात्मा बैठा है, तो सब कुछ देखते हुए सुनते हुए कर्म में आते हुए वो रह सकता है ना, हमेशा ही है ना, उसके बिना तो ये होगा भी नहीं ना कुछ। ये मैनिफेस्टेशन चलेगा ही नहीं, तो मैं साइलेंट बीइंग हूं। हाँ, बाकी लाइफलेस बॉडीज को देखने से कोई मतलब नहीं है, देखने से मतलब देख के भी दिख रही है पर लाइफलेस दिख रही है। तो बाबा कह रहे हैं कि यह तो अभी पढ़ाई का समय है बच्ची, तो यह है ड्रामा की बुक, पेज नंबर 27, ड्रामा की बुक पीडीएफ पे डाली हुई थी ना शायद। यह तो अभी पढ़ाई का समय है, बाप अपना कर्तव्य कर रहा है, डायरेक्शन देता है, पढ़ाता है, जब तक पढ़ना है पढ़ाते रहेंगे, विनाश सामने खड़ा है, उसका कनेक्शन बाप के साथ है। तो एक तरीके से जब आत्माएं कहती ना कि परमात्मा आएगा तो विनाश भी आएगा साथ में, तो वो झूठ नहीं है, सत्य तो है। पर विनाश किसका? इमेजिनरी वर्ल्ड का, इमेजिनेशन का विनाश होने वाला है। है ना, वर्ल्ड तो विनाश नहीं होने वाला है, पर इमेजिनेशन विनाश होने वाला है अंदर का। विनाश मतलब मर्ज। हाँ, ये समझना जरूरी है, कुछ भी विनाश तो होता नहीं है, राइट? तो बाबा बोल रहे हैं कि परिवर्तन होगा, है ना वो, तो बाबा बोल रहे हैं उसका कनेक्शन बाप के साथ है ऐसे, और इग्नोरेंस का विनाश, कंफ्यूजन का विनाश, वो सब विनाश है। ऐसे मत समझ बाप की जुदाई है, जुदाई भी नहीं विदाई भी नहीं, जब तक विनाश नहीं तब तक बाप साथ है। वतन में बाप गया है कोई कार्य के लिए, समय अनुसार वह सब कुछ होता रहेगा, इसमें न कोई विदाई है न जुदाई। जुदाई लगती है आत्मा जब ब्रह्मा बाबा के पीछे जो है ना, उसने जब शरीर छोड़ा, तब की बात है ये। तुमने विदाई दी थी, अगर विदाई दी होगी तो जुदाई भी होगी। आत्माएं कभी अलग होती हैं एक दूसरे से? होती नहीं है। तो बाबा बोल रहे हैं विदाई और जुदाई क्या है? कुछ नहीं है। वेरी ब्यूटिफुल। विदाई नहीं दी होगी तो जुदाई भी नहीं होगी, यह ड्रामा के अंदर पार्ट चलता रहता है। ड्रामा के अंदर पार्ट चलता रहता है, बाप का खेल चल रहा है, खेल में खेल चलता रहेगा। वंडरफुल।
आगे तो बहुत ही खेल देखने हैं। इतनी हिम्मत है? जब हिम्मत रखेंगे तब बहुत देखेंगे। आगे बहुत कुछ देखना है, परंतु कदम को संभाल संभाल कर चलना है। अगर संभल कर नहीं चलेंगे तो कहाँ खड्डा भी आ जाएगा, एक्सीडेंट भी हो पड़ेंगे। बच्चों से मिलने के लिए थोड़े समय के लिए आया हूं। बहुत कार्य करना है, वतन से बहुत कुछ करना पड़ता है। बच्चों की भी दिल पूरी करनी पड़ती है, तो भक्तों की भी दिल पूरी करनी पड़ती है। अभी कार्य संगम पर ही होते हैं। बाप का परिचय मिला, खजाना लॉटरी मिली, अभी बच्चों की सर्विस पूरी की। वतन से भी अभी सबकी करनी है। बच्चे सगे भी हैं तो लगे भी हैं, सर्विस तो सबकी करनी है। सवेरे भी आकर दृष्टि से परिचय दे दिया, दृष्टि द्वारा सर्च लाइट दे, सभी को सुख देना बाप का कर्तव्य है। इसमें बाप दादा दोनों कंबाइंड हैं, अलग नहीं लग रहे ना दोनों? एकदम कंबाइंड फीलिंग नहीं आ रही कि अब सेपरेशन नहीं है ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों आत्माओं में? तो बाबा कह रहे, और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मैं आत्मा परमात्मा के साथ अपने परम धाम की स्थिति को अनुभव कर रही हूं, तो कौन किससे दूर है, कौन किससे मिल रहा है, कौन किससे नहीं मिल रहा है, ये सब बातें। देखो, आत्मा बॉडी लेती है और सारा सेपरेशन का खेल चालू हो जाता है, क्योंकि शरीर सबके अलग-अलग दिखते हैं, है ना? सबसे पहले तो यही होता है ना, तो सेपरेशन का खेल शुरू। आत्मा सब एक जैसी है, पर सेपरेशन के क्यों फील करती है, मैं अलग आप अलग, ये क्यों फील होता है जबकि अलग है ही नहीं, लिविंग बीइंग ऑफ लाइट, स्टार तो सभी एक जैसे, फिर ये अलग अलग फीलिंग क्या आती है? सगा और लगा मीन्स नाम रूप, डिफरेंस इन माइंड, यस डिफरेंस इन माइंड पार्ट। हाँ, सगा मीन्स जिसने परमात्मा को पहचाना, हाँ, और पहचान कर भी उसके एकदम ट्रुथ में, अपने इमेजिनरी ये साउंड साउंड इफेक्ट और मूवमेंट इफेक्ट सबसे दूर, वो एकदम सगा। जिसने पहचान के थोड़ा सा नहीं भी पहचाना माया की बजाय परमात्मा के साथ वो कार्य कर लिया, पहचान कर नहीं पहचाना, तो वो थोड़ा सा हो गया लगा उसने उससे अपनी उसको मिलेगा नहीं ना वो, क्योंकि वो खिड़की थोड़ी बंद करके बैठा है, तो उसको वो पूरा अनुभव नहीं होगा, सब कुछ पता होते हुए भी अनुभव नहीं होगा, तो वो थोड़ा सा लगा हो गया। और फिर पूरे लगे हो गए जिन्होंने पता पहचाना ही नहीं परमात्मा को, हाँ। इसलिए बाबा के मन में सगा लगा नहीं है, इट इज हाउ मच ईच सोल इज रिसीविंग फ्रॉम बाबा, है ना? पेज नंबर 27 था, अभी 28 पर है ना? तो ये है सगा लगा का मतलब। तो अपनी हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग के अनुसार कर्म करते वो सगा। हाँ जी बिल्कुल, है ना? तो अभी भी आपको फीलिंग आई ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अंडरस्टैंड करना, आत्मा को सोचना नहीं आता। आत्मा ने कभी सोचा नहीं है पूरी साइकिल में, और ना कभी सोच सकती है आत्मा। आता है आत्मा को सोचना?
आपने कभी सोचा है आत्मा ने? सिस्टर रानी, कभी सोचा आत्मा ने? पूरे कल्प में भी कभी सोचा? आवाज नहीं आ रही। सिस्टर, आप अनम्यूट कर सकती आत्मा तो परम धाम में सोचती नहीं है ना, आत्मा मन सोचता है ना। जब आत्मा शरीर में आती है तब मन सोचता है, हैं। सोचने वेरी का काम मन करता है। आत्मा के अंदर जो मन है वो ही सोच। हाँ, आत्मा असोचता है। वेरी गुड, मन सोचता है। हाँ, मन सोचता है। आत्मा ने कभी नहीं सोचा है, पर आत्मा के सामने सोच अपियर होती है, मन से अपियर होती है, डिसअपियर होती है, अपियर होती है, डिसअपियर होती है। ये क्लैरिटी होगी ना जब आत्मा डजंट नो हाउ टू थिंक, तब पॉसिबल है लेट गो करना स्क्रिप्ट को। नहीं तो स्क्रिप्ट को लेट गो कर नहीं सकते। अभी भी मन सोच रहा होगा, ऐसे कैसे? बाबा तो बोलते हैं आत्मा तो क्रिएटर ऑफ थॉट्स है। बोल रहा है मन, कुछ ना कुछ तो डिस्क्राइब करेगा ही अनुभव को। वो आदत है मन की, हर अनुभव को डिस्क्राइब करने की आदत है ना? नहीं है? बिल्कुल। पर संकल्प भी टूल कब यूज करती है आत्मा? एक्चुअल में सिर्फ संगम में, पूरे कल्प में यूज नहीं करती है। मन आत्मा को यूज कर रहा होता है, आत्मा मन को यूज करती है संगम में। कब? वो भी परमात्मा का संकल्प लेकर, उसके पास अपना कुछ नहीं है। है अपना, या तो मन चला रहा होता है या बाबा चलाता है, दोनों में से कोई एक चला रहा होता है उसको। तो अभी संगम में कौन चला रहा है? संगम में कौन चला रहा है आत्मा को? बाबा, बिल्कुल बाबा चला रहा है संगम में आत्मा को। अगर आत्मा सगी 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 है तो, हाँ लगी है तो फिर पता नहीं आधा मन आधा बाबा, कभी कुछ चला रहा होता है। इतना इम्पोर्टेंट है ये एक एक अंडरस्टैंडिंग, एक ट्रुथ। सोल डज नॉट नो हाउ टू थिंक। ट्रुथ यही है, बट थॉट्स आत्मा के सामने दे अराइज, दे सबसाइड, दे कम, दे गो। पूरे कल्प मन चलाता है, मतलब क्या कि आत्मा सो जाती है और वो सारा शक्ति संकल्प जैसे खींच लेते हैं उसकी, और फिर वो संकल्प मैं समझकर खुली आंखों से नींद में चल रही है। नहीं चल रही है नींद में खुली आंखों से। तब जब बाबा अगर बोल रहे हैं विदाई ली हो तो फिर तुम्हें जुदाई हुई होगी महसूस, तो विदाई आत्मा के लिए, आत्माएं तो सब साथ में है, विदाई किया और जुदाई किया।
कितनी सुंदर बात है ना ये, किसी ने कहा फिर बाबा क्यों कहते हैं संकल्प से सृष्टि रची। कोई बताएगा संकल्प से कैसे सृष्टि रची है? टाइप भी कर सकते हैं। फिर बाबा बोलते हैं ना संकल्पों की शक्ति, बाबा के संकल्पों को यूज करके। हाँ, बाबा अपना पावरफुल संकल्प, उसके पावर से भरा हुआ है एक्चुअल में संकल्प, उसकी पावर से भरा हुआ है। वो भरपूर करके उस संकल्प को अपने पावर से फिर वो देता है, उसको कुछ करना नहीं है आत्मा को उसके बाद। फिर वो संकल्प को यूज करती है, तो हर पल पल हो सकता है। तब आत्मा को साइलेंस की शक्ति से ही जो बाहर आएगा वो बाबा का दिया हुआ है, नहीं तो ये जो स्क्रिप्टेड माइंड है ना, स्क्रिप्टेड माइंड बोलेगा, स्क्रिप्टेड माइंड पूरा ज्ञान बोल सकता है, स्क्रिप्टेड माइंड बहुत सुंदर पूरी क्लासेस करा सकता है सोल कॉन्शियसनेस पे, पता है आपको? आत्मा परमात्मा के साथ कंबाइंड। और अब बोले पता ही नहीं नेक्स्ट शब्द भी क्या होगा, कोई कुछ प्रेपरेशन नहीं, कुछ नहीं, बाबा को जो बोलना होगा बोलेगा। साइलेंट हूं मैं, मेरे पास शब्दावली ही नहीं है, है ना? पॉसिबल? पता कैसे चले कि बाबा का संस्कार कौन से और माया मन के संकल्प? जो बाबा का होगा ना उसमें, अच्छा कौन बताएगा कैसे पता चलता है बाबा का दिया हुआ संकल्प है कि माया मन का दिया हुआ संकल्प है? ट्रू फॉर ऑल, यस। उसमें बार बार थॉट्स भी चलेंगे, नॉट कॉन्स्टेंट, बाबा के बेहद का होगा। नो डाउट। हाँ, उस संकल्प का ना कोई पास्ट है ना कोई फ्यूचर, वो संकल्प अनादि है, टाइमलेस है वो संकल्प। एंड यस, ट्रू फॉर ऑल, अनादि। फिर प्रैक्टिकल थॉट्स, जैसे ग्रोसरी जाना है, कोई प्रोजेक्ट के लिए काम करना, फिर वो तो उसमें क्या होगा, वो प्रैक्टिकल थॉट्स भी माइंड सर्व करेगा आपको, पर आपको उसमें बाबा के साथ में आत्मा, क्यों बाबा बोलते हैं मेरे साथ सारे कर्म करो, सोचो भी मेरे साथ, बोलो भी मेरे साथ, सुनो भी मेरे साथ, बैठो भी मेरे साथ, उठो भी मेरे साथ, कर्म भी मेरे साथ करो। क्यों? क्योंकि करते हुए आत्मा बिल्कुल दूसरे संकल्प मन के नहीं चला रहे होंगे। आपने अगर देखा होगा, नोटिस किया होगा, पता नहीं कि इसने किसने किया है, पर आई एम श्योर कई आत्मा जो प्रैक्टिस मतलब साक्षियों के देख रहे हैं, देखेगा आप, आत्मा देखेंगे बाबा के साथ आप शरीर को यूज कर रही हो आत्मा, फिर आपको दिखेगा कोई दो चार संकल्प पुराने ऐसे ही साधारण, अभी किसी से 5 मिनट 10 मिनट पहले बात हुई है या नहीं हुई भी हुई है, कोई साधारण संकल्प है, फिर वो 2 मिनट ऐसे ही है ना, बाबा ऐसे लगेगा कि याद नहीं है वो 2 मिनट, वो संकल्प कुछ और ही चल रहा है, हाथ कुछ और काम कर रहे हैं, कुछ और संकल्प चला रहा है बॉडी को। फील किया कभी किसी? हाँ, तो उस वक्त कौन चला रहा है बॉडी को?
स्क्रिप्टेड माइंड चला रहा है उस वक्त, बॉडी को स्क्रिप्टेड माइंड चला रहा है। माइंड इज ऑल्सो रन बाय द स्क्रिप्ट, आत्मा नहीं चला रही है माइंड को। पर आप बाबा के साथ हो, साक्षियों के देख रहे हो कि दूसरा संकल्प भी आ रहा है, बाबा के साथ देख भी रहे हो, साक्षी हो, और आपको दिख रहा है कि मैं आत्मा चला रही हूं, पर देखो माइंड कोशिश कर रहा है, स्क्रिप्टेड माइंड भी, पर वो चला नहीं पा रहा है शरीर को, आत्मा चला रही है बाबा के साथ, ये भी देखा है। तो प्रैक्टिकल कर्म हो रहा है, एक्ट चल रहा है, काम हो रहा है, पर आत्मा बिल्कुल जैसे एकदम साक्षी होकर खेल खेल रही है, कोई और दूसरा संकल्प चला नहीं पा रहा है बॉडी को। देखा है? देखना, अटेंशन देंगे ना तो ये सब दिखेगा आपको, तब बाबा बोलेंगे सगे की लगे। अभी भी बोलते बोलते भी, सुनते सुनते भी आपको फीलिंग में होगा, और एक तरह से लगेगा कि बाबा दे रहा है एक तरफ, और मुंह से क्या बोलना है क्या पता नहीं, ये सीन में बस मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूं, मुझे और इस सीन में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, क्या बोला जा रहा है मुझे उससे भी कोई मतलब नहीं है, मैं उसके साथ कंबाइंड हूं, जो देना होगा वो अपने आप देगा। जो उसको सुनाना होगा वो अपने आप सुनाएगा। और भले दूसरी कोई फीलिंग संकल्प होंगे भी, वो बड़े वो लगेंगे, पुराने दूर होंगे, कहीं फेडेड फेडेड होंगे। ऐसे होगा, ऐसे अटेंशन, यही अटेंशन है और कुछ नहीं, कि हर सीन में मेरा मेन प्रायोरिटी है बाबा और मैं कंबाइंड, चाहे मैं पार्ट कुछ भी खेल रही हूं, हम टॉय की तरह खेल खेलते हैं, है ना, टॉय बॉडी को भी यूज करते हैं, टॉय माइंड को भी यूज करते हैं, टॉय संकल्प भी चल रहे हैं, टॉय के अपने संकल्प भी चल रहे हैं गुड़िया के अपने संकल्प भी चल रहे हैं, पर उससे भी मेरा कोई मतलब नहीं है, बाबा और मैं कंबाइंड, कुछ भी बोल सकता है, पर मेरी वो सोच ही नहीं है, मुझे सोचना आता नहीं है, तो जो उसको देना होगा वो देगा। और कल यही बता रहे थे कि सोचना आता नहीं, मतलब इसलिए नहीं कि मैं बेवकूफ हूं, हाँ नॉट लाइक दैट, कि मैं बुद्धू हूं मुझे सोचना नहीं आता, ये माया माइंड बोलता है, स्क्रिप्टेड माइंड बोल रहा है। सोचना नहीं आता मतलब आत्मा के नेचर में ही नहीं है, साइलेंट है उसका नेचर, उसके पास भाषा नहीं है, तो बॉडी नहीं तो वो सोचेगी कैसे। इसलिए, क्योंकि वो इतनी महान है, इसलिए उसको सोच का यूज, उसको एग्जिस्टेंस के लिए जरूरत नहीं है सोच की, तो विजडम वाली सोच, मतलब विजडम वाला ट्रूथ, बियॉन्ड सोच, बियॉन्ड संकल्प, इसलिए, और इतनी नम्र है, जितनी महान उतनी नम्र, है ना, तो फिर वो आत्मा बाबा से सोच लेती है, फिर वो बाबा के संकल्प को टूल की तरह यूज कर, इसलिए वो ईगोलेस है ना, और वो आत्मा मैं हूं, वो आत्मा आप हैं, क्लियर हुआ? यस देवेंद्र भाई, ओम शांति दीदी, शांति, आवाज ठीक है, क्लियर है, वॉइस बिल्कुल क्लियर है, इज क्लियर दीदी।
वॉइस ठीक यस, है? ठीक वेरी वेरी क्लियर, वेरी क्लियर. पर आपका शायद फ्रीज हो गया कैमरा. कैन वी टेक नीलम टिल देन? या श्योर. नीलम, यू कैन अनम्यूट. या जैसे आप कह रहे हो ना कि बाबा के साथ, उसका अर्थ ये हुआ कि उस वक्त मुझे और कोई थॉट नहीं, ना मैं फ्यूचर में हूँ ना मैं पास्ट में हूँ, मैं प्रेजेंट में हूँ. जो भी हो रहा है वो प्रेजेंट में है. लेकिन जो आपने कहा बीच बीच में संकल्प ऐसा होता है कि एक सेकंड के लिए हमको प्रेजेंट या पास्ट में ले जाते हैं, जैसे हाथों से हम काम कर रहे हैं इसी के बारे में सोचने लगे, देन सडनली आई कम बैक, कि जैसे सिस्टर से बात करने लगी यहाँ, सडनली आई केम बैक, सिस्टर कहाँ है? यहाँ कहीं है ही नहीं, ना वो सीन है ना वो कुछ है. तो इस मतलब मैं उस वक्त सो गई 2 मिनट 1 सेकंड के लिए, देन यू कम बैक, सो यस. नाउ आई एम विद बाबा, अब मैं बाबा के साथ हूँ. तो जो शब्द आपने कहे कि रोजमर्रा के जो काम करने हैं, प्रोजेक्ट करने हैं, घर गृहस्थी चलानी है, जो भी चलानी है, दे आर वर्क थॉट्स, वो हमारे हाँ वर्क थॉट्स हैं, है ना. बिल्कुल. आउटसाइड वर्ल्ड को तो सारे थॉट्स की जरूरत है जो हम यूज कर रहे प्रैक्टिकल हैं, लेकिन मेरे लाइफ. वर्ल्ड को, मेरे वर्ल्ड को किसी थॉट की जरूरत नहीं है. इस बिल्कुल वर्ल्ड बिल्कुल. को प्रेजेंट और पास्ट से बचा के रखना है. इस वर्ल्ड में प्रेजेंट और पास्ट नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी. हाँ, जब एक फाइल मेरे हाथ में है उसमें पहले क्या हुआ था, पीछे क्या हुआ था, टू द पॉइंट जो काम कर रहे हैं, लेकिन उस फाइल को हाथ में रख के अगर मैंने ये सोचा देखो उसने खराब किया, उसने तब ऐसे किया था, उसने, वो बिल्कुल राइट थॉट नहीं है, वर्क थॉट नहीं है. सो बिल्कुल. आपकी सारी कन्वर्सेशन का मतलब ये हुआ टू बी प्रेजेंट ऑलवेज इनर जो हमारा वर्ल्ड है, लेकिन बाहर के वर्ल्ड में जो काम है जिसको नेसेसरी थॉट्स पहले हम डिवाइड करके कहते थे, नेसेसरी थॉट्स, नेसेसिटी जितने, वो हम यूज कर रहे हैं बाहर की दुनिया चलाने के लिए. लेकिन जब मेरे इनर वर्ल्ड को किसी प्रेजेंट और पास्ट कोई जरूरत नहीं है, इनर वर्ल्ड को, वो हाँ प्रेजेंट में ही रहे, तो बार बार जिसको आप कहते हो स्टेप बैक स्टेप बैक, तो स्टेप बैक इज दैट टू कम बैक फ्रॉम दोज. चले गए 1 मिनट सिस्टर से बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक हाँ मिनट वहां ऑफिस में है खड़े हैं, 1 मिनट कहीं और चले, बिल्कुल कम बैक कि मैं इस कमरे बिल्कुल. में हूँ, मेरा कोई पास्ट और प्रेजेंट नहीं है, ये मोमेंट ही मेरा है, बस मैं सो रहा हूँ इसी मोमेंट में. दिस इज हाँ वॉट जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो, इज इट राइट? हाँ एक और चीज ये है कि आत्मा जब है ना, बट वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लैरिटी के लिए. फिर प्रैक्टिकल थॉट्स और हम कैसे एक्शन में लेकर आएंगे, राइट? आप देखेंगे आप परमात्मा के साथ कंबाइंड है ना, तो प्रैक्टिकल भी जो करना है वो थॉट आपके पास आएगा. आपको थॉट क्रिएट करना नहीं पड़ेगा, थॉट विल कम टू यू. यस हाँ, और यस, वो प्रैक्टिकल थॉट आएगा टू द और आप पॉइंट काम हो रहा है ना, टू द हाँ पॉइंट टू द काम पे पॉइंट पे. ध्यान है, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, इधर उधर भटक नहीं रहे हैं. हाँ, मतलब वो आ भी गया. मान लीजिए उसने ये कहा, उसने वो कहा, वो थॉट आ भी गया, पर आपको वो क्योंकि बाबा के साथ है तो जैसे वो एक पासिंग शो की तरह दिखेगा. एक बहुत दूर यस. दूर की दुनिया है वो, माइंड की दुनिया, संकल्प की दुनिया दूर से दिखेगी आपको बाबा के साथ. आपको आपको लगेगा कि बाबा के साथ हो, और एकदम से एक पॉप कुछ इमेज होगी और थोड़ी सी उसकी कहानी भी आएगी साथ में. आएगी हाँ तो आएगी, पास्ट एंड प्रेजेंट मेरा है ही नहीं, ना कोई पास्ट और फ्यूचर मेरा है ही बिल्कुल नहीं, ना है मुझे ही ना किसी क्योंकि थॉट तो सिर्फ या फ्यूचर का आता है या पास्ट का आता है, और तो कोई बिल्कुल. आता ही नहीं. थॉट हैज नो अवेयरनेस. लोगों के भी जो आते हैं वो भी उनको फ्यूचर में ले जा रहे होते हैं या पास्ट में ले जा बिल्कुल रहे हैं, तो मेरा अपना तो कोई है ही नहीं ना थॉट. बिल्कुल भी सो नहीं. हाँ मुझे क्या, उसको आप कहते हो कि इंटरेस्ट क्या है मेरा, तो क्योंकि ना बिल्कुल मेरा कोई पास्ट है ना फ्यूचर है, तो मुझे क्या इंटरेस्ट है फ्यूचर में? बिल्कुल. इसीलिए बाबा कहते हैं कि एक ही प्रैक्टिस है, संकल्पों में बेहद का वेरा, यस, बेहद एक ही का वेरा. प्रैक्टिस है. सो बस देखा अगर जाए तो कई बार आप मुझे लगता है कि ये तो फिर एक ही तो बात है, फिर इतनी सारी बातें क्यों है, मतलब एक ही तो बात है एग्जैक्टली, बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है. एवरी मिनट अटेंशन एक अटेंशन, सजगता, बिल्कुल. जागते रहना, बार बार सो नहीं जाना, जैसे ही सोए वापस, जैसे ही सोए वापस, हाँ, दिस इज और द ओनली सोए प्रैक्टिस ना. हाँ, और सोए भी क्या मीनिंग है? आप फिर भी बाबा की गोद में ही ये थे. भी हाँ बाबा की, वो तो थे लेकिन लेकिन चले गए थे इधर उधर घूमने, चले जाते हैं बीच बीच में. हाँ बीच बीच में चले भी जाते हैं ना, बट आप देखेंगे जैसे जैसे ये प्रैक्टिस संकल्पों में बेहद का वैराग्य होगा ना, आप देखेंगे धीरे धीरे अब आप सोएंगे नहीं,
यस तरह का सोना होता है ना? एक सोना होता है बिल्कुल इमर्स्ड ही हो गए हैं संकल्पों की दुनिया में, एक संकल्प आया फिर उसने एक सपने की हाँ, दुनिया खोल दी, पूरी फिर तो सपने की आंसू दुनिया। भी सब कुछ चालू, वो सारा फिर भावनाएं सब कुछ आना शुरू हो जाता है। हाँ। तो जैसे मान लीजिए एक थॉट आया, पता नहीं दीदी क्या बोल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, समझ नहीं आ रहा। ये थॉट आया, सुनते सुनते ये थॉट आ रहा है। अब अगर वो थॉट पर्सनल लगा, अपना लगा, तो वो दुनिया एक नहीं, सारी बहुत सारी दुनियाएं खोल देगा। इट्स एन इमेजिनरी वर्ल्ड ऑफ वर्ल्ड्स दैट एक थॉट ओपन करता है। उसमें इंटरेस्ट लिया, वो मेरा लगा और उसने 4, 5, 10, 20 सो गई उसी में, वो ही दुनिया लगने लगी, वो संकल्प की दुनिया, वो दुनिया बना दी उसने। आगे बोलेगा पता नहीं कब समझ आएगा, फिर देखते हैं, सुनती रहूंगी, कोशिश करती रहूंगी, कोशिश करती रहूंगी। अच्छा, ये पूरा एक्टिवेट एक पर्सनल आइडेंटिटी हो गई फिर का, जिसका फ्यूचर भी बन गया, आगे और ज्यादा क्लियर होगा। ये सारी आइडेंटिटी है, ये पूरा एक वर्ल्ड खो गया। क्रिएट। जैसे मुझे लगता है कई बार गूगल खोलते हैं ना, आप सोच के बैठे कि मुझे ये देखना है, उसके फिर 15 वो ऑप्शन खोलते हैं, 15 में एक खोल लिया, उसके 20 और ऑप्शंस खुल जाते हैं, फिर आप भूल बिल्कुल जाते हो कि मैं कहाँ थी, मैं क्या देख हाँ, रही थी, सही, मेन पेज ही भूल गई मैं तो, 20 मेन और उसमें पेज भूल चले। गए कि हम कहाँ थे। तो ये इसमें ऐसे ही होता है कि एक बार अलाउ कर दिया उसको, तो फिर वो बस तो बस उसी से बच के रहना है। बच के रहना क्या, मैम, स्टेप बैक बचना स्टेप भी बैक, नहीं है, उसी से बस कर लेना है अटेंशन, इसलिए बाबा की कंपनी स्टेप इज सच बैक। अ फैनेसिया। फिर यस धीरे धीरे, तो एक तो वो नींद हुई जिसमें आप पूरा इमर्स्ड हो गए, फिर 5 मिनट हुए, फिर यस वापिस वो है खुली आंखों से भी नींद, वो भी आप खुली आंखों से नींद है। अब एग्जैक्टली एक और है खुली आंखों से सपने को देखना, वो है बाबा के साथ। ओके हाँ, वो आत्मा अब खुली आंखों से इस पूरे सपने की दुनिया को भी देख पा रही है। एक थॉट आ रहा है, फिर देखती ये आदतवश कैसे एक थॉट माइंड दूसरा भी ऑफर करता है, फिर तीसरा भी अटेम्प्ट करता है, जैसे आत्मा को है ना स्क्रिप्ट माइंड टेम्पटिंग, अच्छा ये नहीं तो थोड़ा और इमोशन ऐड कर देता तो शायद देख लेगी आत्मा मेरी तरफ, है ना, फिर इमोशन के साथ, और नहीं तो थोड़ा सा और थोड़ी मिर्च मसाला डाल देता हूँ तो थोड़ी और एक्साइट हो जाएगी आत्मा और मेरी तरफ पुल हो जाएगी, है ना। बस, फिर तो नींद आनी शुरू हो गई ना, यहां तक हाँ पहुंचते पहुंचते तो नींद शुरू हो गई। हाँ पर आत्मा अगर बाबा के साथ है तो उस पुल में पुल नहीं होगी, पुल नहीं होगी, बस बाबा पुल के साथ है। माना उसको स्टेप बैक टाइम से मतलब वो कर लिया है ना, ही स्टेप वहां से बैक। बैठ कर ही देख रही है ना। तो जैसे ये इमेज अगर आप देखेंगे, ये है हीरा संगम युग में बाबा का, हीरो हीरा हीरो दोनों बाबा के साथ बैठी, उसको दिख रहा है एक एक संकल्प पीछे भाग रहा है, एक के पीछे दूसरा, पूरे सीजंस इमर्ज हो रहे हैं पर आत्मा खिंच नहीं रही है, तब वो खुली आंखों से सपना देख पा रही है और फंस नहीं रही है। ये है कर्म योग, सब कुछ देखते हुए भी कुछ भी उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा है ना। तो उसका कर्म योग अंदर चल रहा है एक्चुअली, वो बाहर वाले कर्म में योग बाहर तो एक्शन अपने पे आप आ ध्यान जाएगा, नहीं है उसका, एक्चुअल में एक्शन इनसाइड अपने आप ही कर्म। हो रहा है, वो सर्जरी भी कर रही है उसमें डॉक्टर, क्योंकि वो फुली फोकस्ड है बाबा के साथ। यस उसको ऐसे कोई कॉन्शियसली बाबा याद नहीं आएगा पर वो एक उसको अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि मैं हुई उसके साथ, तब तो मुझे सर्जरी में इस मोमेंट पे इस स्टिच पे ध्यान देना है, तो मैं उस स्टिच पे ध्यान भी दे रही हूँ, मुझे 4 दूसरे संकल्प नहीं चल रहे, अच्छा अगर गलत हो गया तो स्टिच। तो अगर ये प्रैक्टिस अच्छी रहती है फ्यूचर और पास्ट में ना जाने की, तो हम हाँ कर्म जो आउटसाइड वर्ल्ड का कर्म भी अच्छा करते हैं, क्योंकि वो अब बार बार तो ये फ्यूचर नहीं दिखा रहा कि तुझसे होगा नहीं, तू कर नहीं पाएगी, खराब हो गया तो बिल्कुल क्या होगा, पहले खराब हो गया भी तो ऐसा क्या। हो गया था, लोग ऐसी बातें हाँ बनाएंगे, फिर वो उससे भी हाँ हम मुक्त हो गए ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो मुझे तो संकल्प अब आउटसाइड कर्म में, साक्षी होके वो हाँ भय दिख रहा है, अब वो संकल्प भी ना, एक संकल्प, 2 संकल्प, 10 संकल्प भी नहीं, वो एक भय का एक फीलिंग के रूप में होगा। इतनी आत्मा जागृत हो जाती है बाबा के साथ,
इसलिए अटेंशन सिर्फ पूरा अपने ऊपर है, एक्शन क्या करना है, डोंट वरी, वो अपने आप राइट होगा, होगा ही होगा। अरे परमात्मा के साथ कोई एक्शन गलत हो नहीं सकता। तो अभी भी हम इतना बोल रहे हैं, एक्शन में आ रहे हैं, अंदर एक फीलिंग है ना, बाबा और मैं साथ में हैं, और कोई दूसरे चार पांच संकल्प बहुत आने कम हो जाते हैं, पर अगर आ भी गए तो आपको वो भी साक्षी होके दिख जाएंगे। जैसे बोल रही थी, कभी कभी क्लास में आने से पहले एकदम फ्लैट फील करती है, एकदम फ्लैट, मायामन, मायामन का मूड। आत्मा देखती है बाबा के साथ, मुझे थोड़ा ना करना है, माया मन को टेंशन होती है। माया मन डरता है, स्क्रिप्टेड माइंड, माया भी नहीं बोलेंगे, स्क्रिप्टेड माइंड डरता है, स्क्रिप्ट में है वो, संस्कार स्क्रिप्ट का है। एक्चुअली माया वर्ड इज डिसेप्टिव, संस्कार वश जो मन है, स्क्रिप्टेड माइंड डरता है। आत्मा उस फ्लैटनेस को भी साक्षी होके देखती है। आत्मा बोलती है, मैं, मेरे को तो सिर्फ शरीर लेके बैठना है, बाकी करण करावन हार करेगा ना। बोलती नहीं, वो देखती है, उसको समझ है, वो साइलेंटली समझती है इस बातों को। साइलेंट बीइंग, वो विजडम से भरपूर है ना, वाइज सोल है। तो वो आत्मा चुपचाप बैठ जाती है। मन जैसे इसने देखा है, कभी कभी तो पहले पहले बहुत ज्यादा होता था ये, इसने देखा कभी भी कोई कुछ टॉक के लिए बोलता और माइंड चालू हो जाता, ये बोलूंगी, वो बोलूंगी, ऐसे करूंगी, वैसे बोलूंगी, ऐसे करूंगी। आत्मा एकदम शांत होके, लड़ती नहीं थी उस पूरी बातों से, लड़ती नहीं थी। आत्मा साक्षी बोल रहा है, बाबा मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता है, आदत है, मैं उससे लड़ नहीं सकती, मुझे लड़ना आता नहीं। बाबा बोलते ना, तूफान की आंख में बैठ जा, बस मेरे साथ बैठ जा, बस चुप, तू चुपचाप बैठ जा, उसको बोलते रहने दो। बहुत प्रेपरेशन भी कर रहा होगा, क्या करूंगी क्या बोलूंगी, ठीक है बोलते रहने, बोलते, तू मेरे साथ बैठ। मुझे एक एक चीज समझनी है, एक एक चीज पता होनी चाहिए, एक एक लाइन का मीनिंग पता होना चाहिए। टू मच प्रेपरेशन बाय द माइंड। बाबा को जो चार सार समझाना होगा समझा देगा। हाँ, प्रेपरेशन क्या करनी है, अपनी स्मृति की, अपनी स्थिति की, ज्यादा होशियारी की प्रेपरेशन नहीं करनी है, वो माइंड करता है। वो अलग बात है कि पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं समझ आया, पूछ लिया, दैट इज डिफरेंट। हाँ, दैट इज डिफरेंट, हम उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं। पर बाबा हमें क्या बोल रहा है कि हैव कन्विक्शन, आई एम विद यू चाइल्ड, तो कभी अगर मुरली में कुछ नहीं समझ आता तो पूछते हैं हम भी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स नॉट व्हाट इट मीन्स, इसका मीनिंग ये है कि जब एक बार बैठ गई फिर बाबा का क्या बोलना है वो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता वो क्या बोलेगा, उसको क्या समझाना है, क्या कहना है, किस आत्मा को क्या जरूरत है, वो परमात्मा जानेगा या रीनी माइंड जानेगा। बाबा को पता है ना। तो एक बार देखो, ये सब होगा, आएगा, स्क्रिप्टेड माइंड हैज इट्स ओन स्क्रिप्ट, इसमें कोई गलत नहीं है, है ना।
कुछ गलत नहीं, कुछ चीजों के लिए प्रेपरेशन करनी भी होती है, ऐसा नहीं है, पर उसमें भी बाबा इन्वॉल्व है आपके साथ, इन्वॉल्व है वो आपके साथ। जब वो इन्वॉल्व होगा तो आपको उस प्रेपरेशन से जीरो जीरो अटैचमेंट होगा। है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए बाबा दीदी जी, शेल वी अनम्यूट दैट देवेंद्र भाई, इज अच्छा बैक। वो जी यस जी देवेंद्र भाई आप हैं ना ग्रुप में, प्लीज एक बार हैंड रेज करेंगे क्या? बिकॉज वी लेफ्ट आई थिंक अगेन। हाँ जी हैंड सॉरी। या आप अनम्यूट हैं, आप यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। जी। ओम शांति देवी। ओम शांति। इंटरनेट कनेक्शन कुछ इनस्टेबल था तो डिस्कनेक्ट हो गया था। नो प्रॉब्लम। एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था, जैसे जो आपने बताया कि आत्मा असोचता है, लेकिन जो मुझे जो अनुभव हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं भी उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा वो आप क्लियर कीजिएगा। एक है ना परिचित थी, बहन थी, उन्होंने शरीर छोड़ा और उनके फ्यूनरल में मैं भी था। तो क्योंकि सभी जानते हैं लेडीज नहीं जाती वहां पे जहाँ डेड बॉडी जलाई जाती है, शमशान जिसको कहते हैं। तो सारे मेल ही थे, तो जो साड़ी वाड़ी पहनी हुई थी ऊपर तो अनकवर कर दी बॉडी, डेड बॉडी को। और डेड बॉडी अनकवर करने के बाद में फिर लकड़ी वकड़ी लगा के फिर डेड बॉडी बरी की गई, उसको जलाया गया, सब कुछ हो गया। तो जो नेबर में जो लेडी रहती थी उनके सपने में आया कि मुझे ऐसे ऐसे करके मेरे शरीर को ऐसे मतलब कपड़े हटा करके उसको जलाया गया, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। तो ये मतलब मेरे साथ, मेरे एसोसिएटेड लोगों के साथ ही हुआ था, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शरीर को उन्होंने छोड़ दिया था और शरीर छोड़ने के बाद में सारे इवेंट हुए थे। तो ये इसको कैसे हम समझें? तो मैं समझी नहीं, किसी को सपना आया? यस 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 यस, उनको आ सपने में उसने आके बोला कि ऐसे ऐसे करके मेरे शरीर को जलाया गया किसको जिसमें बॉडी, सपने में आया? एक पड़ोसी थे, नेबर थे मेरे, नेबर में अच्छा भाभी जैसे होते ना रिलेशन में, तो भाभी को बोला जिस लेडी ने शरीर छोड़ा उनके हस्बैंड के अपोजिट बोला कि वो भी वहां पे थे लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं रखा और मेरे शरीर को ऐसे ऐसे करके जलाया जो मुझे अच्छा नहीं लगा। आई वुड नॉट गो टू मच इन टू इट इफ आई वर यू, है ना? क्योंकि ये किसी का ड्रीम है, कोई किसी के ड्रीम के बारे में बात कर रहा है ना, तो नहीं वो उसमें वो नहीं। हमें तो अब क्या करना है, हमें तो खुली आंखों से जागृत रहना है, खुली आंखों से सपने को देखना है। तो उसमें किसी के सपने के अंदर भी सपना है, लेट गो, है ना? बिल्कुल, नहीं तो ये कुछ और ही दुनिया सपने की बना देगा, बुन लेगा मन, बिल्कुल है ना? क्योंकि ठीक। बॉडी इज डेड, बॉडी एनीवेज इज डेड, देयर इज नो मैन नो वुमन आत्मा के लिए, तो है ना? तो उस स्मृति से अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए ये सब चीजें मैटर ही नहीं करती। अब वो पड़ोसी के अंदर कोई फीलिंग होगी, उसकी फीलिंग के अनुसार उसके मन में ऐसे संकल्पों से सपना भी आ गया होगा। सो देयर्स टू मच कॉम्प्लिकेशन देयर, तो इसलिए हमें उस तरफ तो जाना ही नहीं है, है जी ना? तो उससे तो साक्षी, वो भी एक पार्ट ड्रामा का ड्रामा का पार्ट, शुक्रिया। ओम शांति। ड्रामा के अंदर ड्रामा, बाबा ने बोला ना, वो चलता ही रहता है। क्योंकि
इसलिए बाबा बोल रहे हैं आपका भी संगम का मुख्य श्रृंगार है, मस्तक पर आत्मा का दीपक जलाना। इसकी निशानी बल्ब जलाते हैं, लेकिन यह सभी बातें होने के लिए होली का अर्थ याद रखना, होली। जो कुछ हुआ वह हो गया। यही बात बोल रहे हैं बाबा, पास्ट और फ्यूचर में जाना नहीं, जो कुछ हुआ वो हो गया। एंड दिस इज सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज अगर आप साक्षी होकर बाबा के साथ रहेंगे ना, पास्ट और फ्यूचर आपको ट्रैप कर नहीं पाएगा। वही सपने की दुनिया है माइंड के अंदर, वहां पर ही पर्सनल आइडेंटिटी पैदा होती है, और फिर वो पर्सनल आइडेंटिटी दूसरे पास्ट और दूसरे फ्यूचर के थॉट्स के साथ इंटरैक्ट रिलेट करती रहती है। तो बाबा भी असोचता है, आत्मा भी असोचता है, पर बाबा की सोच क्या है? किसी ने पूछा अभी, बाबा भी तो असोचता है ना, फिर जैसे आत्मा असोचता है, तो फिर बाबा कैसे सोचता है? बाबा फिर कैसे सोचता है? बाबा को भी जो ड्रामा के थॉट्स हैं वही आते हैं, मतलब जो फिक्स्ड स्क्रिप्टेड। जो आत्मा जागृत है ना, बिल्कुल बाबा के साथ है, उसको बाबा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके सोच के लिए, उसको क्या सोचना चाहिए क्या नहीं, उसको भी बाबा उसी के माइंड को यूज करके उसको, वो उसकी सोच जो चलेगी ना कर्म करने के लिए, उसमें जीरो सेल्फिशनेस होगी, जीरो अटैचमेंट टू आउटकम होगा, एक्शन के लिए भी जीरो डिजायर होगी उस संकल्प में। तो बाबा की वो वाइब्रेशंस जैसे प्यूरिफाई कर देती है आत्मा के माइंड को, इसलिए हम बोलते हैं हम बाबा का माइंड यूज कर रहे हैं, मतलब प्यूरिफाइड माइंड। आत्मा बाबा के माइंड को यूज करिए, मीनिंग उसमें जीरो वो सब कुछ बीमारी होगी, उसमें बिल्कुल मैं कर रही हूं कि डूअरशिप की फीलिंग ही नहीं होगी। उस थॉट में देर इज नो डूअरशिप इन दैट थॉट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। तो कर्म हो रहा है, एक्शन हो रहा है। देखो ब्राह्मण लाइफ में भी हम में से कुछ आत्माएं सब कुछ सेवा करते हुए सेवा में भी बर्न आउट हो जाते हैं। क्यों? वैरायटी चाहिए, वैरायटी प्रकार की सेवा चाहिए। क्यों क्यों बर्न आउट होते हैं? या बिकॉज वी फील आई एम डूइंग इट। आई एम डूइंग इट, दैट इज द रीजन फॉर बर्न आउट। फिर वैरायटी प्रैक्टिसेस भी चाहिए मन को। सो अगर हम देखें कि आत्मा भी सोचता नहीं है, तो जैसे सूरज भाई बाबा के ये महावाक्य बहुत बार बोलते हैं ना, तुम मेरी याद में मग्न रहो, तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल अगर आत्मा सिर्फ सरेंडर होके बाबा के साथ रहे, देन दिस इज गोइंग टू एग्जीक्यूट ऑन इट्स ओन, यू डोंट नीड टू, एग्जैक्टली। ज्यादा नहीं सोचना है, मतलब जो ज्यादा जरूरी क्या सोचना ही नहीं है। हाँ या जो जीरो नेसेसरी थोड़ी बहुत प्लानिंग है, दैट इज टू बी डन, एंड देन आफ्टर दैट जस्ट क्लोज दैट टॉपिक बिल्कुल एंड अगेन बी विद बाबा, राइट? इवन प्लानिंग करते हुए भी बाबा के साथ। आपने याद है एक बार बताया था कि जब कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम है, जैसे डॉक्टर की सर्जरी का एग्जाम्पल आपने शायद उस टाइम पे दिया था, कि वी हैव टू सी कि वो भी मेरे अंदर हो रहा है, मैं बाबा के साथ, वो भी सब मेरे अंदर हो रहा है, सो लाइक द स्मृति इज कि बाबा कंबाइंड है मेरे साथ और ये सब इधर हो रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक्ट चल रहा है, परफॉर्म हो रहा है, बॉडी भी मेरी नहीं है, माइंड भी मेरा नहीं है, मेरा क्या है? मेरी अपनी बाबा के साथ कंबाइंड स्मृति, वो भी बाबा ने दी यस है ना? तो उसमें क्या होगा, आत्मा बिल्कुल जब एक्शन कर रही है ना, एक्शंस आर स्पिलिंग फ्रॉम यू। हाँ इट्स ऑटोमेटिकली हैपनिंग, लाइक इट्स ऑन बिल्कुल, ऑटोमेटेड मोड, इट विल हैपन ऑन इट्स ओन। जैसे स्क्रिप्टेड माइंड अपनी आप ही चालू होता है। हाँ, क्योंकि ये मैपन भी क्या है, और कुछ नहीं है मैपन। मैपन भी समझना क्यों जरूरी, मैपन क्या है? सिर्फ कोई पास्ट का संकल्प और फ्यूचर का संकल्प बॉडी को चला रहा है, जो कि पर्सन आइडेंटिटी क्रिएट कर देता है। फिर वो पर्सन आइडेंटिटी को लगता है कि मैं चला रही हूं, तो पर्सन आइडेंटिटी चला रही है। मैंने आइडेंटिफाई किया, मैंने उसको अपना समझा है। हाँ, जितना वो ज्यादा समझ, अपना, हाँ, बोले, सॉरी, फिनिश करें। नहीं, आप नहीं, आई थिंक वी आर क्या बोल रहे थे, सेइंग, मुझे समझ में पूरा नहीं आया मैं इसलिए। बोल रही थी जितना वो पास्ट के संकल्प या पास्ट की फीलिंग या पास्ट के जो भी चीज को मैंने बहुत अपना समझ के रखा है, उतना वो मुझे चला सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें अपना भी क्या, उस ऐसे आते हैं थॉट्स, ऐसे फीलिंग्स आती हैं, ऐसे जैसे ध्यान रखना होता है। हाँ, अटेंशन हैज टू बी देयर, बिकॉज अदरवाइज इट्स कॉन्स्ट, इसलिए कॉन्स्टेंट बाबा कंबाइंड। बस मुझे और कुछ करना नहीं, मुझे और कुछ सोचना नहीं, जो आना होगा आएगा, जो करना होगा होगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि एक्ट में ये करना भी, ये करना भी, वो करना, नो, अपने आप स्पिल आउट, है ना? सामने वाले भी बोलेंगे आप सोचते नहीं हो। हाँ, नहीं, आता ही नहीं है सोचना। सोचने की आता ही नहीं है मुझे सोचना, है ना? नहीं आता, इसको यही बोलता, आप सोचते ही नहीं हो। हाँ, सोचते, आता ही नहीं है सोचने, नहीं आता। बाबा भेज देता है सोचने वालों को, मुझे सोचने की जरूरत नहीं। आई शेयर वन एक्सपीरियंस। वेन वी सिट, सो समटाइम्स मैं इनको बोलती हूँ मैं ये क्वेश्चन रीड करूँ क्या, ये मुझे थोड़ा डाइसी लग रहा है। शी सेज बिल्कुल मत रीड करना, जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी तभी तुम रीड करना। एंड आई टेल कि आप कुछ सोचोगे नहीं इस पे क्या जवाब देना है। शी इज टेलिंग नहीं, बाबा जवाब दिलवाएगा, डोंट रीड एट ऑल, जस्ट स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। एंड अभी वो सीख गई है रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना, तो बिफोर आई लाइक यू नो से समथिंग लाइक शी स्टार्ट द रिकॉर्डिंग सो दैट वी जस्ट गो ऑन द टॉपिक स्ट्रेट। दैट इज व्हाई शी इज सेइंग कि हाँ मुझे कोई बोलते हैं ना सोचते नहीं हो, तो मैं बोलती हूँ नहीं आता है सोचना मुझे। या क्योंकि आई थिंक बहुत आई इम्पोर्टेंट, ओनली हियर मोर दिस फ्रॉम हर। एक बार तो सुन ही लेती हूँ दिन में कि नहीं आता है मुझे सोचना। नहीं क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपनी सोच चलानी शुरू कर दी तो फिर बाबा काम नहीं कर सकता आपके थ्रू, है ना? क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन सुनेंगे, अच्छा अब इसका क्या जवाब दूं, चालू हो गया मन, तो हो गया चालू, है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोचना ही नहीं है, आता ही नहीं है। ठीक है, बुद्धू है, ठीक है, बुद्धू है, जिसको जो सोचना है सोचने, आता ही नहीं सोचना। फिर जो उसको सोचवाना होगा वो सोचवाएगा, है डे ऑल्सो अनफोल्ड्स पूरा लाइफ में, पता ही नहीं चलता, एक्शन होते जाते हैं, होते जाते हैं, यू जस्ट डोंट कम टू नो। अरे अच्छा, अभी जाना था, वो अपने आप थॉट आएगा, जाना, ओके निकलो, अभी टाइम हो गया, निकलना है। इट्स नॉट टू मच प्लानिंग, बहुत प्लानिंग माइंड नहीं है, है ना? सेकंड में पूरा होने वाला प्लान सेंस हो जाता है, बिल्कुल। समवेयर व्हेन देयर इज टू मच प्लानिंग, सम कंट्रोल, सम मैनिपुलेशन ऑफ द ईगो माइंड इज हैपनिंग। मैं मैनिपुलेट कर लूं, मैं कंट्रोल कर लूं, मैं कुछ कर लूं, बस कुछ कर लूं। नो, इट्स दैट ईगो माइंड, नो, इट वॉन्ट्स टू बी परफेक्ट, इट डजेंट वॉन्ट टू गो रॉन्ग। या वेरी गुड, ईगो माइंड परफेक्शनिज्म, वांट्स टू बी परफेक्ट, या वेरी। वो गलती करने से डरता है। वेरी गुड। और ये भय होता है ईगो माइंड में, है ना? हाँ जी।
जीरो स्टेट विद बाबा, डूअर स्पीक्स टू मच। हाँ थे ना, कोई बोलता है इंडिया जा रहे हो, आपकी पैकिंग हो गई होगी। मैंने कहा कौन सी पैकिंग, लास्ट डे देखेंगे, जब लास्ट में जो होना होगा पैक हो जाएगा। अभी से कहाँ पैकिंग के बारे में, क्या पैक करूं क्या नहीं करूं सोचने बैठूंगी। कैन वी टेक अनीताज क्वेश्चन? एंड श्योर पहले से बिफोर अनीता, यू नो तरुणाज हैंड वॉज ऑल्सो रेज्ड। इफ तरुणा इज अच्छा देयर, तरुणा आप हैं क्या? एक डाउट है। हाँ जी ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी थोड़ा सा तो शायद मैं क्वेश्चन भी भूल गई। नीलम सिस्टर और आप बात कर रहे थे ना, जब तब उस वक्त ये क्वेश्चन उठा था, तब आपने कहा था कि जैसे संकल्प चल रहे हैं, संकल्पों के तूफान चल रहे हैं, और मैं आप बाबा के साथ कंबाइन हूँ, तो मुझे क्लियर समझ में आ रहा है कि किस प्रकार के किन संकल्पों से मैंने अपनी पहचान बना ली है। बट दीदी ये हम नोटिस कर रहे हैं, ये हो जाता है नोटिस कि भाई किस संकल्प से हमारी पहचान बना रहे हैं, या मैंने किस संकल्प का चोला पहना है, किस पुराने संस्कार का चोला पहना है, और मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइन हो जाती हूँ। बट दीदी हमें तो उसमें इंटरेस्ट लेना ही नहीं है, है ना? हमें संकल्प से साक्षी होना है, संकल्प पर साक्षी ना होना है, बाबा के साथ कंबाइन होना है। तो वो चीज मैं कंफ्यूज हो रही थी जब आप बता रहे थे कि हमें एक एक संकल्प का चोला दिख जाता है। तो वही मेरा क्वेश्चन था कि हमें तो उनसे इंटरेस्ट लेना ही नहीं है ना, चाहे मन कुछ भी बोले, है ना? हाँ तो क्वेश्चन क्या है? हाँ क्वेश्चन ये था कि उस वक्त आप बता रहे थे शायद कि हमें पूरा संकल्प क्लियर, हम बाबा के साथ कंबाइन होते हैं और एक एक संकल्प हमें दिख जाता है। तो दीदी हमें तो देखना है ही नहीं ना? नहीं, ऐसा नहीं कि देखना नहीं है, दिखेगा, वो तो चलता ही रहता है ना। हाँ वो रिकॉर्डिंग चल रही है। कुछ संकल्प होंगे कि एकदम से वो बहुत लाउडली बोलेंगे। दीदी लेकिन वो मर्ज हो रहे हैं ना? नहीं, ऐसा नहीं कि सब मर्ज हो रहे, फिर सोने तो फिर तो नींद आएगी नहीं आपको, अगर सब मर्ज ही हो रहे हैं तो फिर सो कैसे रहे हैं आप पूरे दिन भर। नहीं, जिस वक्त हम योग, नहीं नहीं दीदी ऐसा नहीं, जिस वक्त हम योग कर रहे हैं, समझो कि मैं बाबा योग के साथ कंबाइन हो रही हूँ, माया का नहीं, तूफान। कर्म योग, कॉन्स्टेंट योग। अच्छा अब कर्म योग की बात कर रहे थे, मैं हाँ योग की जी बात, मैं नहीं, बैठक कॉन्स्टेंट योग की बात कर रही हूँ। योग, कॉन्स्टेंट योग। हाँ तो कर्म योग में तो दीदी सारा ही दिन चल रहा है ना, क्लियर पता ही चल जाता है कि आत्मा ने क्लियर, भाई 1 सेकंड पहले भी, अभी तो फीलिंग लेवल पर आ रहा है, थॉट लेवल पर आइडेंटिफाई तो होता ही था, अब फीलिंग लेवल पर भी चेकिंग हो रही है। 1 सेकंड पहले भी किसी के लिए कोई फीलिंग आई तो ये शब्द समझ में आता है कि इस आत्मा ने जो ये शब्द बोला, इसका भी इम्पैक्ट इस आत्मा के ऊपर फीलिंग लेवल पर चेक हो जाती है कि अरे ये यहाँ पर भी कुछ कुछ अलग सी फीलिंग आई है, तो ये माया ने क्रिएट की, सॉरी मन ने क्रिएट की है। तो ये डिटैच ऑब्जर्वर होकर जब आप, जब ये आत्मा देखती है तो क्लियर समझ आ रहा है। बट मैं, शायद मेरी ही समझने में कंफ्यूजन था, आप कर्म योग की बात कर रहे थे और मैं और सिटिंग बैठक योग। योग में भी और कर्म योग, अगर दोनों भी योग लेंगे तो ऐसा नहीं कि हमारा हाँ बैठक योग में हम कभी सोते नहीं है। इन्वॉल्व हो जाते हैं। हाँ, इसीलिए ना, तो वो इन्वॉल्व ना हो उसके लिए कह रहे हैं कि वो इन्वॉल्व होने से पहले ही आत्मा को साक्षी हो कि वो संकल्प दिख रहा है आता जाता। जी क्लियर हुआ? हाँ दीदी, साक्षी होकर देख रहे हैं। जब जैसे जैसे हम बाबा से कंबाइन हो रहे हैं तो वो तो मर्ज हो रहा है ना दीदी, मन तो मर्ज हो रहा है, वो शांत हो जाता है फिर। हाँ, बट कहने का मतलब ये है कि मर्ज हो रहा है, उससे पहले ही दिख जाए ना तो वो उस हाँ तरफ खींच ही नहीं पाएगा। क्लियर हो रहा है? चाहे अरे बैठे हो चाहे हाँ उठे हो, पास्ट और फ्यूचर में तो अभी तक कहीं ना कहीं चला ही रहा है ना बॉडी को, मन। जी जी जी
हाँ, तो उसमें बाबा हमें ये कह रहे हैं कि जितना आप कंबाइंड रहेंगे आपको साक्षियों के दिखेगा, आपको पास्ट और फ्यूचर नहीं, बॉडी नहीं चलाई, मतलब पास्ट और फ्यूचर के थॉट्स बॉडी को नहीं चलाएंगे फिर, हाँ ये अभी तो बात। पल पल, हाँ पल पल हो ही रहा है ना, एक एक सेकंड के पीछे हम जा रहे हैं हाँ है ना, जी। तो वो पास्ट और थैंक, फ्यूचर के थॉट्स कहीं ना कहीं चला रहे हैं ना, तभी तो कभी ना कभी शब्दों में भी आ जाता है, कभी ना कभी अभी हम साधारणता में बोल भी बोल लेते हैं, क्यों हो रहा है ये, क्यों हो रहा जी अटेंशन कम है ना। है? इसलिए उसके लिए जो है ना बाबा हमें बोल रहे, जितना तुम मेरे साथ कंबाइंड रहोगी ना बच्ची, तो क्या होगा कि तुम, वो तुमको कितना भी खींच ही नहीं पाएगा, तुम मेरे साथ रहकर सारे तूफान भी देख सकोगी, क्योंकि कुछ संस्कार हैं जो बहुत गहरे हैं, बहुत सूक्ष्म है ना, तो वो संस्कार है ना, वो थॉट से पहले साथ में फीलिंग सब कुछ लेके ही आता है, वो अलग अकेला नहीं आता है, वो इमोशन फीलिंग तूफान का ही रूप के रूप में आता है, वो सूक्ष्म में। पूरा पैकेज ही आ रहा है ना दीदी, साथ हाँ में सेंसेशन हाँ भी। तो वो खींच नहीं। अगर बाबा के साथ है तो कंबाइन हो रहे हैं बाबा के साथ, ये पैकेज भी दिख जाता है तो उस वक्त एक्शन में नहीं आ रहा है, बच जाता है। लेकिन अगर समझो अटेंशन नहीं रहा और ये पैकेज आया, तो साथ में फिर कर्म में भी हो रहा है फिर वो ना। कर्म में, बिल्कुल बिल्कुल, जिसके लिए बाबा कहते हैं कि कर्म में आया तो फिर कर्म विकर्म बन जाएगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि विकर्म मतलब उसने पर्सन आइडेंटिटी को थोड़ा और रीइंफोर्स कर दिया उस मोमेंट, मतलब कि है ना। मन ने इन्फ्लुएंस, मन ये इन्फ्लुएंस में आ गई ना, आत्मा प्रभावित हाँ, इन्फ्लुएंस में आ गई आत्मा हो गई। में। हाँ, पर वो भी कोई बात नहीं, इन्फ्लुएंस में आ भी गई ना, नो प्रॉब्लम। आप कितना जल्दी एक सेकंड में अपने आप को जागृत अवस्था में देखती हो, जैसे ही रियलाइज हुआ तो उसका जो इफेक्ट है ना वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। कर्म का रिपरकर्शन आएगा वो अलग बात है, कॉन्सिक्वेंस की बात नहीं कर रहे, पर उसका इफेक्ट आत्मा को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा कर्म का भी, मतलब आपके ट्रुथ को अच्छा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा, आपको अपना ट्रुथ बिल्कुल क्लियरली महसूस होगा कि मैं टाइमलेस हूं, वो लास्ट सेकंड मेरे लिए अब एग्जिस्ट नहीं करता, ये फीलिंग बहुत क्लियर होगी आपके लिए। वो अपने मन को दोष देना, अपने पार्ट को दोष देना, वो सब नहीं होगा उसमें, क्योंकि टाइमलेस। जैसे जैसे मान लीजिए किसी को कुछ कहा, मन संकल्प के प्रभाव में आकर आत्मा ने कुछ बोल दिया, हाँ मुख से एक्शन हो गया, आत्मा तो सो रही थी, पर पर्सन आइडेंटिटी ने जैसे कि वो आत्मा का पावर सख करके, जैसे वो थॉट ने पावर सख करके कुछ कह दिया, हाँ मुख से एक्शन हो गया। अब जैसे ही एक्शन हुआ, मुझे 5 मिनट बाद रियलाइज हुआ, टाइमलेस आत्मा के लिए वो 5 मिनट 5 मिनट नहीं है, टाइमलेस आत्मा जागृत हुई मतलब ओ सपना है ये, बाकी ड्रीम है ये, मेरे लिए तो यही सेकंड प्रेजेंट है बस, दिस इज नॉन एग्जिस्टेंट, मेरे लिए ये टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, एकदम अपना वो पूरा उसका बाबा समान रूप उसको दिखेगा एक सेकंड में, कि ओ वेक अप, नथिंग हैपेंड, मैं वो के वही हूं, चेंजलेस टाइमलेस परफेक्ट बीइंग, बाबा जैसी स्टोरीलेस, वो फीलिंग बहुत ऑटोमेटिकली इमर्ज होगी आत्मा के जागृत होने से, क्योंकि आत्मा की फीलिंग तो कांस्टेंट है ना, वो चेंज तो हुई नहीं, तो उसको पता चलेगा मेरा कुछ भी चेंज नहीं हुआ, मेरी प्योर फीलिंग तो वैसी के वैसी ही है, चाहे मैंने उस वक्त नींद में मैं सो रही थी और सपने में ये हुआ, पर जैसे ही मैं जागी तो मुझे ये दिखा कि मेरा ट्रूथ और उस आत्मा का ट्रूथ दोनों का रिश्ते में तो कोई फर्क आया ही नहीं, क्योंकि माया मन क्या बोलेगा, अब वो क्या सोचेगी, अब वो तो बहुत ज्यादा नाराज हो गई, अब मुझे क्या करना चाहिए, ये सारे थॉट्स आपको पास्ट में पकड़ के रख रहे हैं, वेरस जब आप जागते हो जैसे जिस सेकंड में आपको दिखेगा ओ हम दोनों के बीच में तो प्यार ही प्यार है, कुछ हुआ ही नहीं, हम दोनों के बीच में हुआ कुछ,
आत्माओं के बीच में कुछ हुआ ही नहीं। इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट एक दूसरे के प्रति। वो माया मन के संकट दिखेंगे आपको, भय वाले, आज तो मैंने गलती कर दी, नाराज हो जाएंगे, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा उनको समझाने के लिए, उनको मैं बलान, क्या बोलते, मनाना मनाने पड़ेगा। के लिए, मनाने के लिए, करने के लिए, दो शब्द बोलूं, कुछ बोलूं तो वो भी ठीक फील करे, तो मैं भी ठीक फील करूं। ये सारे संकल्प हो सकता है चले फीलिंग में, थॉट में, किसी में भी। पर आपके लिए ट्रुथ क्या है, जिस सेकंड जागे हम दोनों का रिश्ता इटर्नली इतना सुंदर, भले ही वो पीछे वो आत्मा बोल भी रही है, देखो ये ज्ञान में और ये ऐसे बोलती है, ये क्या ज्ञान काम का ये सब, वो आत्मा अपने मुख से बोल भी रही क्योंकि वो अपने सपने की दुनिया में अभी तक है। पर आप जो हो, आप निकल चुके हो सपने से, तो आपको वो जो दोनों के बीच में रिश्ते का ट्रुथ है वो दिख रहा है। अच्छा तो जी, एकदम क्लियर। आप जब जागते हो तो क्या सत्य है आपके लिए? पास वाले सपने को पकड़ के बैठे हैं आत्मा, आपका मन भी पकड़ के बैठा है, पर आप आत्मा बाहर हो। शायद दीदी यही वेस्ट थॉट्स है ना, जिन्होंने इस भाई ये ईगो की आइडेंटिटी को ऐसे जिंदा रखा है कि तुम ईगो माइंड हो। नहीं, बिल्कुल, ये पास्ट और फ्यूचर के थॉट्स ही, क्योंकि तभी आपने तो कहा ना काम। अटैचमेंट भी कुछ और नहीं है, हमारे अंदर का जो एक संकल्प है किसी के प्रति, वो अटैचमेंट का वो ही मेन अटैचमेंट है जो हमारे अंदर एक संकल्प के रूप में, फीलिंग के रूप में बैठा है। तो यही आइडेंटिटी शायद दीदी ईगो को जिंदा रख रही है ना। जैसे मन बोल रहा है ना, मेरे बेटे से मुझे बहुत अटैचमेंट है, इस अटैचमेंट को मुझे कम करना है, ये ईगो यही माइंड है। बोल, ईगो माइंड बोल। अटैचमेंट बेटे से नहीं है, अटैचमेंट तो इस संकल्प से जो ऐसे बोल रहा है कि मुझे मेरे बेटे से अटैचमेंट है, मुझे ईगो कम करना है, ये संकल्प ही अपना लगना, ये आत्मा का अटैचमेंट है उस संकल्प से। इसी पर मैं लगा दिया भाई, मुझे मेरे अंदर अटैचमेंट है। हाँ, फिर बोल दिया मेरे अंदर, कौन बोल रहा है, किसके बिहाफ पे ये थॉट आ रहा है, मेरे अंदर बेटे के प्रति बहुत अटैचमेंट है, मुझे इस अटैचमेंट को कम करना है, बाबा को बच्चा बनाऊं, ये कौन बोल रहा है सर? ये पर्सन आइडेंटिटी, ये ईगो माइंड बात कर रहा है ना। ये थॉट ही बोल रहे हैं। हाँ, थॉट ही बात कर रहा है। तो जैसे ही मैंने इस, मुझे आत्मा ने इस थॉट से आइडेंटिटी बनाई, मुझे बहुत अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट का ये एक थॉट मैंने बोला, मतलब एज मैंने ये सोचा ये मैं हूं, ये मेरा थॉट है, तो क्या हुआ उससे दूसरा और बादल आया उसके साथ, फिर तीसरा हाँ, बादल भी और चिपक गया, कि दूसरा बादल आया, अच्छा मुझे ये अटैचमेंट कम करना है, ये भी दूसरा थॉट आया, अच्छा ये भी मैं हो गई, अपने आप ही हो रहा है सब। हाँ, कपड़े पहनती जा रही है। फिर तीसरा थॉट आया, मुझे इस अटैचमेंट को कम करना है। फिर चौथा बादल आया ऊपर, है आत्मा बाबा के साथ, पर वो सपने की दुनिया बनती बुनती जा रही है साथ साथ। चौथा आया, बाबा को बच्चा बना लेती हूँ। फिर पांचवा आया, पर मुश्किल है बार बार ऐसे बच्चे के साथ कैसे मैं अटैचमेंट करूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक बादल आए जा आए जा तो रहे। दीदी अगर ईगो माइंड का ईगो और बढ़ रहा है ना फिर इसी से। तो फिर ज्ञान का पॉइंट लगाती है, वो पांचवा बादल आ जाता है ना। तो आत्मा को क्या करना है, आत्मा को कुछ करना नहीं है, नहीं आत्मा करना को है। बाबा के साथ आया है थॉट, मुझे तो सोचना ही नहीं आता है, मेरे पास भाषा ही नहीं है, सोचना नहीं आता, थॉट आया है मेरे सामने, बाबा की तरफ देखती हूँ, आता ही नहीं है समझ बाबा, कुछ तेरी भाषा समझ आती है अभी। तो पहले थॉट पे बादल वहीं खत्म हो गया, कहाँ दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा दसवा पचासवा सौवा आएगा। संकल्प की भी अकल ना हो। बिल्कुल, एकदम इनोसेंट ऑफ इट्स ओन ग्रेटनेस। इतनी इनोसेंट है आत्मा को पता ही नहीं है, बचपना वापस जो बोलते ना,
इमर्ज होता है, इनोसेंस ऑफ द सोल इमर्जेस। कुछ नहीं आता उसको, बस प्यार की भाषा समझ आती है उसको, एक बाबा के फीलिंग्स की भाषा समझ आती है उसको, बाबा क्या कहेगा बाबा कैसे सोचेगा उसको, बस वही समझ, एक इनोसेंस बट विद विजडम। बेवकूफी नहीं है उस इनोसेंस में, विजडम है। वही वो खुद होता है ना, आपने कहा था ना ट्रुथ को इंजीनियर नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल, ट्रुथ को बनाया नहीं जा सकता, ट्रुथ इज ट्रुथ, वो प्रेजेंट है। बाबा कैसे इनोसेंट लॉर्ड है पर कितना वाइज भी है साथ में। भोला नाथ, पर बेवकूफ नाथ नहीं है, भोला नाथ, इसको सारा ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पर भोला है ना। हाँ जी, थैंक यू दीदी, थैंक थैंक यू बाबा। यू बाबा। जी अनीता, आप बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। दीदी एक छोटा सा प्रश्न, अभी आप एक्सप्लेन कर रहे थे ना कि आत्मा और बाबा असोचता है, और आपने ये एक्सप्लेन किया कि फिर बाबा सोचता कैसे है ना, तो इसको थोड़ा सा एक बार और एक्सप्लेन कर दें प्लीज। हाँ जी, तो है ना, बाबा जब आत्मा को कुछ भी वाइब्रेशन से टच करते हैं ना, तो आत्मा अपने ट्रुथ में भी आ जाती है ना। बिल्कुल, बाबा और आत्मा बिल्कुल जैसे बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड थॉट्स, बियॉन्ड स्टोरी, बिल्कुल वो वाली कॉम्बिनेशन है आत्मा और परमात्मा का। अब उसमें माइंड की लैंग्वेज को बाबा यूज करेगा, पर वो जब लैंग्वेज यूज कर रहा है ना, जैसे कोई कर्म करने के लिए, उसमें बिल्कुल भी इस पर्सन को प्रोटेक्ट करने का कुछ भी भान नहीं है, या इस पर्सन को अच्छा दिखाने का, ये इमेजिनरी दुनिया से बाहर का है ना। तो थॉट देगा बाबा प्रैक्टिकल, अभी जैसे मान लीजिए अपॉइंटमेंट है डॉक्टर का, मान लीजिए, तो जैसे मैं आत्मा हूं बाबा के साथ हूं, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, जाना है, ओके जा रही हूं, अब बीच में ट्रैफिक भी मिल गया, लेट हो रहा है, तो आत्मा को दो संकल्प और नहीं चलेंगे, अरे लेट हो गया मैं लेट पहुंचूंगी, क्यों, क्योंकि बाबा के साथ वो प्रैक्टिकल संकल्प मिला उसको, उसमें ये भी विजडम होगा, जिस टाइम पहुंचना होगा उसी टाइम पहुंचेगी ड्रामा के सीन में। ये मोमेंट है से बाबा के साथ हूं, ये सारी आत्माएं जो भी ट्रैफिक में भी फंसी हुई हैं, हम सब बाबा के साथ हैं, और ये उसकी उसकी फीलिंग में, और वो वाला होगा एक्शन में भी है ना, उसके ये 4 5 10 संकल्प अगर चले भी आदत अनुसार, तो वो भी साक्षी होके दिखेंगे। तो बिल्कुल जैसे बाबा के साथ का लिया हुआ ऑटोमेटिकली एक्शन में आया हुआ संकल्प भी, उसमें बिल्कुल टेंशन नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगा, उसमें वो नहीं होगा कि ये ऐसे ही होना चाहिए है ना। तो लैंग्वेज तो वही हम यूज कर रहे हैं, पर उसमें बिल्कुल जीरो क्या बोलते हैं, अटैचमेंट टू दैट एक्शन टू कम टू फ्रूइशन अकॉर्डिंग टू रिनी, तो दीदी, जीरो आपका स्टार्ट। तो आपका ये कहने का मतलब हुआ कि जैसे हम इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें कि बाबा असोचता है, ऑब्वियसली बाबा के शरीर नहीं है तो बाबा नहीं सोचेगा ना, उसका थॉट नहीं है, और बिल्कुल आत्मा जो है वो भी ओरिजिनल, उसकी फॉर्म ही ऐसी है कि वो नहीं सोच सकती ना, क्योंकि उसकी बॉडी नहीं है। तो हाँ इसका मतलब ये है कि अगर मैं बाबा के साथ, मैं आत्मा अटैच्ड हूँ इस वक्त, मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, तो बाबा मुझे यूज कर रहा है उस हाँ सोच के लिए कि जो हाँ वो सोचवाना चाह रहा है, ये मतलब है दीदी आपका। बिल्कुल बिल्कुल, जो वो सोचवाना चाहेगा, भले ही प्रैक्टिकल थॉट्स बाबा बोलते हैं यूज तो करने हैं, सेवा भी करनी है, सेवा के लिए भी संकल्प मैं दूंगा, पर मैं दूंगा उसमें, मैं रीनी कर रही हूं वो भान नहीं होगा, मैं रीनी गाड़ी चलाकर डॉक्टर के पास जा रही हूं भान नहीं होगा, मैं आत्मा परमात्मा के साथ एक एक्शन परफॉर्म कर रही हूं उसमें मैं गाड़ी चला रही हूं भान भी नहीं है। पर दीदी दोनों में फर्क कैसे
कैसे क्लियर होता है उस होता है ना, वक्त? ड्राइविंग करते हुए कौन गाड़ी चला रहा है, कौन चला रहा है? आत्मा, मैं आत्मा चला रही। आत्मा शरीर को यूज करते हुए गाड़ी चला रही है, हाँ जी, हाँ बाबा जी। के साथ हूं, तो ये भान क्लियर है। और अगर दूसरा कोई आ भी रहा है, दूसरे दूसरे चार पांच 10 संकल्प और आते ही रहते हैं ना, ड्राइव करते रहेंगे तो भी अच्छा, चुप तो आते होने हैं वाला, स्क्रिप्टेड माइंड, तो आते आप हैं, साक्षी होएंगे उससे, साक्षी होकर देख पाएंगे उन संकल्पों को आप, बट एट द तो सेम आपका टाइम, अटेंशन इन द नाउ में है, ये मोमेंट है। हाँ जी, एट द सेम टाइम बाबा और आपका माइंड है, बाबा आपके साथ, आप बाबा के साथ हो। हाँ, हाँ, स्क्रिप्टेड माइंड तो क्रिएट करेगा ना कुछ तो थॉट करेगा आते कुछ हैं, ना कुछ किसी वो को देख करेगा। के कुछ अपना मिल गया, कोई फॉर एग्जांपल किसी दूसरी कार में, तो एकदम आता है कि ये वो है ना, ये फ्लॉ। तो बिल्कुल। लेकिन आप बाबा के साथ कंबाइंड है हाँ, और आप बाबा बाबा के साथ सुचवा रहा है। कंबाइन, हाँ बाबा सुचवा रहा है, तो आपको ये सब लाइफलेस दिखेगा। पहली बात तो अपनी बॉडी, सबकी बॉडीज डेड ही दिखेंगी, हाँ जी, है ना, और जो माइंड में भी जो स्क्रिप्ट चल रही है वो भी डेड स्क्रिप्ट है। तो आपको रियलिटी क्या लग रही है? आत्माएं, बिल्कुल। बाबा, और आत्माओं के बीच में जो प्यार की फीलिंग है वो सब रियल लग रही है, और आप बाबा से बस उसी बारे में बैठे हो, या तो शांति से या बातें कर रहे हो उसके साथ। हाँ, कुछ तो करना है ना उस वक्त, नहीं तो मन तो बैठेगा बाबा के, नहीं, नहीं तो कुछ और ले हाँ आएगा ना। इसलिए नहीं, पर आत्मा कभी कभी साइलेंट भी बैठ सकती है, नेचुरल होगा, वो बाबा डिसाइड करेगा, वो भी हम डिसाइड नहीं करते हैं, वो भी बाबा या तो बात करेगा आत्मा के साथ, आत्मा बाबा के साथ, है ना, दोनों बात कर रहे हैं सत्य के बारे में, जो दिख रहा है उसके बारे में भी बात कर सकते हैं कि देखो कैसे ये लाइफलेस है ये पूरा वर्ल्ड बाबा, इसमें सारी आत्माएं अपनी अपनी लाइफलेस बॉडीज को यूज कर रही हैं, कैसे अपने अपने उनके, इसने तो इसको ये भी दिखता है कभी कभी कि बाबा कैसे ये आत्माओं की बॉडीज भी उनका माइंड चला रहा है आज उनको, पर अगर ये माइंड से बाहर मैं देखूं उनको तो ये कितनी बिल्कुल प्योर डिवाइन लाइट्स हैं, पर कैसे माइंड चला रहा है, तो स्ट्रेस में गाड़ी चला रही है, माइंड चला रहा है जैसे उनका वो गाड़ी। वही अंदर अंदर वही चलता रहे ना, हाँ, रोज बाबा से ही चलता रहे। बातें चलती रहती है एक्चुअल में। ओके, हाँ तो दीदी जब हम कहते हैं कि आत्मा भी असोचता है, तो ठीक है, उसको हम समझ रहे हैं कि ओरिजिनल स्वरूप या आत्मा का तो असोचता ही है ना, कि उसका शरीर नहीं, वो नहीं सोचती जैसे बाबा नहीं सोचता। तो इस बात को कैसे लें, आत्मा असोचता है तो बाबा हमें यूज करके सुचवा रहा है, ये मतलब हुआ। हाँ बिल्कुल, और हम क्या है, माइंड को यूज कर रहे हैं, पर माइंड आत्मा को, माइंड को ज्यादा वो नहीं देती है इम्पोर्टेंस, ओके, है ना शेफ को अपनी स्किल पे ज्यादा इन वो होता है, बकायदा की छुरी पर, ओके, मन तो यूज हो रहा है बिल्कुल। ओ, मन के बिना तो हम कैसे समझेंगे कि मेरा मन सोच तो रहा ही है ना, चाहे वो। मन के बिना ही समझ सकते हैं आप अपने आप को एक्चुअल में। यू कैन ओनली नो योर सेल्फ बियॉन्ड योर माइंड, नॉट थ्रू योर माइंड। पर दीदी जब बाबा यूज कर रहा है मन हाँ को, उस वक्त में मुझे अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है, जब बाबा हमारा मन यूज कर रहा है, मेरा फॉर एग्जाम्पल मैं चला रही हूँ, यानी आत्मा, आत्मा चला रही, फॉर एग्जाम्पल गाड़ी का एग्जाम्पल लेते हैं, मैं ड्राइव कर रही हूँ, आत्मा बैठी ड्राइव कर रही है शरीर को यूज करके, तो बाबा के साथ मैं कंबाइंड हूँ, बाबा को याद कर रही हूँ, ठीक है ना, पर मैं कौन, जो थॉटलेस, आत्मा, हाँ मैं थॉटलेस आत्मा, और बाबा थॉटलेस, भी। बॉडीलेस, स्टोरीलेस, टाइमलेस आत्मा, जब तक ये क्लियर नहीं है तब तक तो फिर माइंड ही नहीं तो प्रैक्टिस करेगा मैं बाबा के साथ कंबाइंड। बिल्कुल, तो थॉटलेस आत्मा मतलब माइंड की तो जरूरत ही नहीं है मुझे, पहले ये पता हो फिर मैं माइंड को भले यूज करूं, दैट्स डिफरेंट, हाँ पर ये पॉइंट पहले था। मैं कौन, हाँ, पहले मैं को, पहले वाला ओरिजिनल जो फॉर्म है वो पता हो ना, कि पता हु एम आई है ना, उसमें आ जाते हैं। तो बिल्कुल, उस वक्त में जब बाबा के साथ कंबाइंड होके वही हम कर्म कर रहे हैं, तो बाबा मुझे होकर नहीं कंबाइंड, होकर नहीं, मैं फॉर एवर कंबाइंड हूं, ओके एक तो होना वो फिर माइंड कर रहा है। ओके, तो हाँ मैं बाबा से हर, कंबाइंड हूं, तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं माइंड को फीलिंग है कि मैं बाबा से अलग हूं, अब मुझे कंबाइन होना है, धोखा वहां भी धोखा हो जाता है फिर। है। तो ये स्मृति हमेशा रहे है ना, हर क्षण एक्चुअली ये यही स्थिति स्मृति ओरिजिनल। नेचुरल है, हाँ नेचुरल है, पर वही भूल जाती बीच बीच में ना दीदी कभी नहीं कभी। पर भूलना भी
भूलना और याद, विस्मृति स्मृति भी एक खेल है आत्मा के अंदर। स्मृति विस्मृति का खेल आत्मा के अंदर चल रहा है, पर आत्मा न वो खेल है न वो उस खेल के अंदर है। आत्मा इज द ऑब्जर्वर ऑफ स्मृति एंड विस्मृति के खेल का भी, क्योंकि टाइमलेस आत्मा के लिए लास्ट सेकंड एग्जिस्ट नहीं करता। एक्चुअली में इस पैसेज में बाबा ने यही बोला है ड्रामा के। होली होली मतलब क्या, विस्मृति भी मैं नहीं हूं और स्मृति विस्मृति का खेल भी मेरे अंदर है। जैसे है ना, ये आप ये देख रहे हैं ना, ये लिविंग लाइट यहाँ पर हाँ स्टार, जी रेड स्टार, हाँ ये जी मैं है ना। बाकी सारे थॉट्स मेरे अंदर एक इमेजिनेशन के रूप में चल रहे हैं, सब चल रहे हैं। अब मान लीजिए मैं आत्मा इस थॉट को सोचती हूँ, ये मैं हूं, मैंने ये चोला पहन भी लिया, पहन भी लिया मान लीजिए, है ना। वो टाइम का कॉन्सेप्ट उस चोले में है, आत्मा में नहीं है। आत्मा बिल्कुल वो इज नॉट टाइमलेस टाइम है। बाउंड, वो चोला टाइम बाउंड है, राइट। वो हाँ जी चोला टाइम, तो अब जैसे ही वो चोला मैंने उतारा तो मेरा ट्रुथ तो मुझे कोई टाइम का लैप्स हुआ ही नहीं ना। बिल्कुल नहीं। तो कहाँ विस्मृति स्मृति, मैं उसको भी देखने वाली आत्मा। देयर इज नो टाइम का लैप्स बिकॉज देयर इज नो टाइम फॉर मी। बिल्कुल दीदी सही है। ये बहुत सूक्ष्म है, ये बहुत सटल है, पर है बहुत सिंपल और बहुत बहुत हाँ इम्पोर्टेंट। सिंपल इम्पोर्टेंट भी है दीदी। हाँ सिंपल भी इम्पोर्टेंट भी थोड़ा भी है, इम्पोर्टेंट भी और सटल हाँ भी है। क्योंकि सटल भी है। ठीक तो वो है किसके लिए टाइम एग्जिस्ट करता है, कि मैं भूल गई थी अब मुझे वापस मन का बाबा है वो याद। मन का है। हाँ ठीक जी दीदी हाँ, ये टाइम का लैप्स एग्जिस्ट ओनली फॉर अ थॉट। हाँ जी आत्मा के लिए जैसे ही उतारा संकल्प, वो मोमेंट अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। नो लैप्स ऑफ टाइम, टाइम डजेंट एग्जिस्ट फॉर मी। दिस इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ द सोल्स, हाईएस्ट स्मृति। हाँ जी, ठीक है दीदी ठीक है अब वो शुक्रिया जी। आत्मा भले ही मन माइंड को यूज करे, बुद्धि को यूज करे, संस्कारों को यूज करे, जो करना है करे, आत्मा इज गॉड लाइक। ये बाबा के लिए भी खेल क्या है, 5,000 के खेल को कभी बोलता है एक का खेल है। उसके लिए देयर इज नो टाइम लैप्स। पर उसको पता है बच्चों का माइंड और बच्चे माइंड में फंसे हुए, उनको समझ तो आने वाली नहीं भाषा, जैसे 5,000 साल की भाषा भी बताता है। ठीक कि है तुमको टाइम के कॉन्सेप्ट में समझना है तो लाखों वर्ष नहीं है बच्ची, 5,000 वर्ष। पर अगर मेरी भाषा से समझना है तो 1 सेकंड का खेल है। ठीक बिल्कुल ठीक है। अब दीदी नींद से जाग गए हैं तो हाँ जी नींद से जाग तो गए हैं ना दीदी ये बहुत बड़ी हाँ बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस इस कोई स्मृति बात को नहीं। बनाए अभी शुरू रखा। शुरू में ऐसा लगेगा कि मैं उस हाँ खेल जी में हूँ, स्मृति विस्मृति के हाँ खेल के चलो अंदर खेल हूँ, में तो है अभी अभी आ तो गए ना अपनी ऐसा जगह पे लगेगा। तो। हाँ जी पर कभी कभी एक होता टाइम, है लेकिन नहीं। पर जैसे ही हो ना और बाहर देखे ना, जैसे ही उतारे ना कपड़ा, देखना कुछ टाइम लैप्स नहीं हुआ है। ओके ठीक है दीदी हाँ, देयर इज नो सच थिंग एज टाइम फॉर यू। ठीक फिर ऐसा होगा, आपको ऑब्जर्वर हो जाएंगे आप स्मृति विस्मृति के खेल का भी। आप खेल के अंदर ही नहीं है, आप तो खेल से ही बाहर है। यू आर द ऑब्जर्वर ऑफ द गेम, यू आर नॉट इन द गेम। बिल्कुल दीदी हाँ ठीक दीदी बिल्कुल तब ठीक वो है ब्रह्मा बाबा वाला पुरुषार्थ है। शुक्रिया दीदी शुक्रिया क्लियर हो गया। वील टेक वन लास्ट क्वेश्चन ऑफ प्रमिल, प्रमिल सिस्टर आप प्लीज बोल। ओम शांति दीदी। ओम शांति। एक तो छोटा सा ये कि जैसे बोलते हैं ना कि प्रोग्राम नहीं बनाना है, जो होगा हो जाएगा, लेकिन जब 6-7 जने इकट्ठे होके कुछ प्रोग्राम बनाना है तो फिर तो बैठ के करना पड़ता है ना, फिर फोन भी करेंगे, बात भी करेंगे, प्लानिंग भी बनाएंगे। बाबा के साथ बैठ जाओ ना, करने वाले बहुत हाथ हैं और मन है। ठीक है।
कहाँ बीच में अपनी ओपिनियन हर बार देने की जरूरत है ठीक क्या है। बहुत और ज्यादा? दीदी ये जो है ना अभी भी समझ नहीं आया इसको कि ईगो को क्रंच करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा इसको किसी एग्जांपल से समझाएंगे क्या? अच्छा तो देखें कि मान लीजिए ईगो, बाबा कौन सी ईगो को सबसे ज्यादा अभी बता रहे हैं? मैंपन को ही बोल रहा, मैं मेरापन या ईर्ष्या को बोल ईगो का पर्टिकुलर कोई एस्पेक्ट लें जो बाबा ने अभी तक बहुत एम्फेसाइज किया थोड़े दिनों में, किसको याद है? हाँ ईर्ष्या। ईर्ष्या, ईर्ष्या का ईगो मान लीजिए आया। ईगो कुछ नहीं है, वो ईर्ष्या एक एनर्जी है, नथिंग रॉन्ग विद इट, इट इज जस्ट एन आयरन एजेड संस्कार और कुछ भी नहीं है। वो उसको लेबल कौन लगा रहा है, गुड और बैड? माइंड ही लगा रहा है, माइंड माइंड ही लगा रहा है, वो भाषा माइंड की है ना, वो बाबा की भाषा नहीं है, माइंड की भाषा है। की, हाँ माइंड की भाषा। बाबा क्या बोलता है आपको, आप कौन हो, बाबा की भाषा में बाप कुछ समान ना? हाँ ईर्ष्या ईर्ष्या क्या होती है पता नहीं ना। बिल्कुल इनोसेंट, इनोसेंट ऑफ ऑल डिजायर्स, हाँ लिविंग बीइंग, एकदम प्योर गॉड लाइक फीलिंग्स वो आपकी है, मन में आई ईर्ष्या। ईर्ष्या आत्मा कैसे देखेगी उसको जब वो लाइफलेस है। लाइफलेस है, ना गुड है ना बैड है, कुछ है ही नहीं, तो किसको क्रंच करेगी, किसको क्रंच कर? ऑटोमेटिकली एक्शन हो जाए वो बात अलग है, लेकिन जानबूझ के कुछ नहीं करेगी ना। अगर आत्मा देख रही है तो वो क्या क्रंच करेगी, क्या है क्या वहां जो क्रंच करेगी? नथिंग टू क्रंच। उसको अब अपने बाबा की फीलिंग्स में इतनी मस्त होगी, उसके अंदर ही उसकी फीलिंग्स में ही रोल पोल हो रही होगी, स्विम स्विम कर रही होगी, डुबकियां मार रही, उसी में डूबी हुई है, उसको वही अपना लग रहा है, वो फीलिंग आ रही है, उसको दिख रही है वो एनर्जी ईर्ष्या की आई है, बहुत स्ट्रांग लग रही है, बहुत पुल भी कर रही है, कभी थोड़ा थोड़ा एक्शन में भी आ गया, जैसे 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 ही आया एक्शन में बहुत जल्दी, पहले वो 10 मिनट बात रुकती थी, अभी उसको 10 मिनट के, वो माइंड के 10 मिनट, हाँ आत्मा के 10 मिनट नहीं, आत्मा तो टाइमलेस, माइंड के 10 मिनट बात रुकती, अभी उसको 1 सेकंड में रियलाइज हो रहा है, तो उसका ट्रुथ तो तभी भी वही था जब 10 मिनट लगता था माइंड के टाइम के अनुसार, ट्रुथ तो अभी भी वही है चाहे वो 1 सेकंड भी लग रहा है ड्रामा के अनुसार, माइंड के अनुसार, और नहीं भी लग रहा है तो भी उसके लिए सब एक समान है, आत्मा बिल्कुल टाइमलेस, उसकी फीलिंग भी टाइमलेस और कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट अखंड, शब्द अखंड को पकड़ लो, मम्मा का यही शब्द था है ना, अगेन शब्द को नहीं पकड़ना, हाँ मतलब शब्द किस तरफ पॉइंट कर रहा है उसको देखो, हाँ नहीं हाँ ठीक है, पॉइंटर पकड़ने पॉइंटर की तरह देखो कि कैसे वो आपकी उस फीलिंग जो आपकी कभी परिवर्तित नहीं हो सकती, उसमें ना कुछ चेंज आ सकता है, ना उसमें कुछ कमी हो सकती है, ना कोई ऐड हो सकता है, बिल्कुल वो फीलिंग ही आपकी। अब उसमें ईर्ष्या क्या है, बाबा के साथ दिखा, अच्छा एनर्जी है, ठीक है नो प्रॉब्लम, आयरन एजेड एनर्जी नो प्रॉब्लम, कुछ करना ही नहीं है, मुझे देखना ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है, जो चीज मेरी नहीं है उसमें क्या इंटरेस्ट मेरा। इसको ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगता है कि अगर मेरे पास में जो स्ट्रेंजर सामने, मैं वॉक पे जा रही हूँ, स्ट्रेंजर के बाल पीले हैं, तो मैं उसको जाके जकड़ जकड़ के पकड़ पकड़ के नहीं बोलती कि आपने अपने बालों को क्यों पीला किया, मेरा क्या लेना देना उससे, मेरा वो स्ट्रेंजर है। तो ऐसे ही मेरे सारे संकल्प, चाहे वो आयरन एज के हैं या गोल्डन एज के हैं, सारे ही मेरे लिए स्ट्रेंजर हैं, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मेरा अपना ट्रुथ साइलेंट है और बाबा की फीलिंग्स मेरी फीलिंग्स है और टाइमलेस है, उसमें कोई ब्रेक नहीं आ सकता है, अखंड है ये। जब जब तक आपको अपनी ये फीलिंग में, तब आप है ना, आप देखेंगे अब आप एक्शन में भी आएंगे ना, तो उस फीलिंग में डूब कर एक्शन में आएंगे,
वो भी शायद, होगा। हाँ ये ऐसे कई बार ऐसा होता है कि वो फीलिंग्स ना थोड़ी थोड़ी देर बाद सो जाएगी, फिर आ जाएगी, फिर सो जाएगी, फिर आ जाती है कई आने बार। में प्रॉब्लम किसको हो रही है उनके आने में? आत्मा हाँ आइडेंटिटी, हाँ इसी को ही हो रही है। को कोई प्रॉब्लम नहीं, भले ही वो आए जाए, उसको आत्मा को क्या, कितने ही स्ट्रेंजर्स मेरे सामने घूमे फिरे, मुझे आत्मा को क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो फिर बार बार बस बाबा के पास ही बैठ जाए और क्या है, बार बार नहीं, आप बैठी बैठ बैठी बाबा के पास हो, बस बाबा हुई बाबा के पास, देखते रहो बस उसको, है ना। और जो ये उसको जैसे नहीं देखते रहना है कि कैट कोई बिल्ली कोई वो कबूतर को देख रही है, वैसे नहीं देखना है। तो अच्छा, ठीक इग्नोर कर तो आप फिर बस, माइंड में ही एंगेज्ड है अभी तक, ठीक है। आप बाबा को देखते रहे, उसमें बीच बीच में कहीं में कहीं कहीं दिख जाएगी बिल्ली, कभी कबूतर, कभी कभी घोड़ा, कभी हाथी, सब दिख जाएगा, क्या लेना देना मुझे। इसका मतलब फिर दीदी यही हुआ ना कि ईगो को ही ईगो क्रंच करता रहेगा तो बढ़ता जाएगा, मतलब दी मैं हाँ, इससे जो ईगो ईगो एक्शन, को क्रंच कर रहा है, बढ़ता ही जाएगा वो, उसको और रिजिस्ट कर रहा है वो, और परसिस्ट होता जाएगा, होता जाएगा। ये बिल्कुल भी हो सकता है ना, इसका मतलब कि यदि उस समय मान लो गई ईर्ष्या और अब एक्शन बहुत बढ़िया हो गया। तो ये आत्मा तो बोलती है थैंक यू भाई। हाँ हाँ हाँ, हाँ थैंक यू, नहीं तो वो और ईगो इस तरह से भी आ सकता है, देखो मैंने विजय प्राप्त कर ली ईर्ष्या पे, इस तरह से भी तो आ सकता है ना। सब कुछ आ सकता है। ज्यादा ईगो का भी एनालिसिस नहीं करना है, क्यों, हाँ माया रूप बदल के आएगी, सेम रूप में नहीं आने वाली है। तो हाँ वही, पहले हाथी उंगली ना दिखाओ ना उसको, नहीं तो पहुंचा पकड़ेगी, है ना, पूरा हाथ पकड़। वो दिख रहा है, पता है। टू मच एनालिसिस इन ईगो, यू विल बी ट्रैप्ड इन ईगो। पूरा हाथ पकड़ लेगी फिर वो। बिल्कुल, तो समझ तो आ जाता है अपने आप ही, पता चल जाता है आत्मा को। एक वो क्या बोलते हैं, सिक्स सेंस होता है आत्मा में, हाँ है ना, तो वो दिख जाएगा उसको सारा कुछ, एक सेकंड में समझ आ जाएगा। जैसे जैसे बाबा हमको ना लास्ट में लाइफ रिव्यू पूरा एक सेकंड में दिखाएंगे ना, पूरे जन्मों का लाइफ रिव्यू 10 मिनट में हो जाता है, ऐसे ही आत्मा को हाँ माया का हर रूप बिना टाइम के पता चलने लग जाता है, टाइमलेसली उसको माया का हर रूप एक सेकंड में दिखता है। ज्यादा उसमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती आत्मा को, क्योंकि वो रूप बदलती रहती ना, गिरगिट रूप बदलती रहती है, सेम रूप में नहीं आने वाली है कभी भी। कितना एनालिसिस करोगी, कितना माया को भगाने की कोशिश करोगे, कुछ नहीं होने वाला, खुद भाग जाओगे उसके पीछे। भगाने ही नहीं है ना, स्टिल खड़े भगाना हो ही जाओ, नहीं है, स्टिल हटाना नहीं खड़े। है, छुपाना नहीं है, भगाना नहीं है, देखना, देख के अनदेखा करना है, ये इंपॉर्टेंट है। हम तो क्या करते हैं, देखते हैं, फिर देखते 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 ही रहते हैं। अरे देख के अनदेखा वाला शब्द क्यों भूल गए पीछे, सुन के अनसुना करना है। सुनाई दे रहे हैं संकल्पों की आवाज, पर अनसुना भी तो करना है, वो सेकंड हाफ क्यों भूल गए। थैंक यू बाबा। बट इट्स सो ब्यूटिफुल टू सी बाबा के बच्चों को, कितना बाबा के साथ चिपक कर रहने में इंटरेस्ट है। हाँ? सभी आत्माओं को, एंड इट्स सच अ ब्यूटिफुल फीलिंग दिस वन गेट्स। हाँ, आई एम टेलिंग यू कि एवरी सोल इज सो डीपली इंटरेस्टेड इन स्टेइंग कंबाइंड विद बाबा। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति।